أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. फिर ऐ महबूब, जो तुमसे ईसा के बारे में हुज्जत करें बाद उसके कि तुम्हें इल्म आ चुका, तो उनसे ये फरमा दो, आओ हम बुलाएं अपने बेटे और तुम्हारे बेटे और अपनी औरतें और तुम्हारी औरतें और अपनी जानें और तुम्हारी जानें, फिर मुबाहला करें तो झूठों पर अल्लाह की लानत डालें। यही बेशक सच्चा बयान है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक अल्लाह ही गालिब है हिकमत वाला। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान के साथ मैं आपका मेज़बान शर्जील अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन इकराम, आज हमारा मौज़ू है हुकूकुल इबाद। नाज़रीन इकराम, हुकूक दो तरह के हैं, एक जिन्हें हम हुकूकुल्लाह कहते हैं और एक जिन्हें हम हुकूकुल इबाद कहते हैं, यानी जो हम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुकूक हैं, जो हमने इबादत करनी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, और दीगर जो हम पर फ़राइज़ शरीयत ने रखे हैं वो, और फिर दूसरी जानिब वो हुकूक जिनका ताल्लुक इंसानों से है, लोगों से है, अल्लाह की मखलूक से है। नाज़रीन किराम, इस्लाम की तालीमात हमें ज़िम्मेदार बनाती हैं, रिस्पॉन्सिबल बीइंग बनाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही, तुम में से हर बंदा चरवाहा है और हर बंदा अपनी चराहगाह का ज़िम्मेदार है, यानी मेरे मातहत जो हैं मैं उनका ज़िम्मेदार हूँ, क्या मैंने उनके हुकूक अदा किए, क्या मैंने उनकी रहनुमाई की और दीगर जो मामलात मेरे ज़िम्मे हैं मैंने पूरे किए या ना किए, मैं उसका जवाबदेह होऊंगा आखरत में। अब ये देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुकूकुल इबाद की अहमियत को इस अंदाज़ से भी उजागर फरमाया कि आपने फरमाया, अल खल्कु आयालुल्लाह, कि ये मखलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुंबा है, यानी इनके हुकूक अदा करके अल्लाह की मोहब्बत हासिल की जा सकती है, इनके मामलात में हमने पीछे नहीं हटना है। लेकिन यहाँ नाज़रीन किराम, एक बात वाज़ेह होनी चाहिए कि हम बहैसियत मुसलमान हुकूकुल इबाद का तायुन अपनी अक़ल से नहीं करते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से आने वाली वही से करते हैं, यानी हम रीज़न की बुनियाद पर महज ये तय नहीं करते कि हुकूकुल इबाद क्या हैं, ह्यूमन राइट्स क्या हैं, इंसान के हुकूक क्या हैं, बल्कि हम शरीयत मुतहरा की रोशनी में, रेवलेशन की वही की रोशनी में हम ये तय करते हैं कि अल्लाह ने बंदों पर बंदों के क्या हुकूक रखे हैं। यहाँ पर एक और बात वाज़ेह हो कि एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं हक और एक जिसे हम कहते हैं फ़र्ज़, यानी ड्यूटी और राइट। ड्यूटी और राइट में बड़ा बुनियादी फ़र्क है। ड्यूटी का मतलब ऐसा काम है जो मैंने करना है, और राइट जो दूसरे ने मेरे लिए करना है। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात उलमा फरमाते हैं कि जब हम अपने फ़राइज़ अदा करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ अदा करते हैं, तो उसके नतीजे में औरों को उनके हुकूक हासिल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बाप अपने फ़राइज़ अदा करता है, तो जब वो फ़राइज़ अदा करता है तो उसके नतीजे में उसकी औलाद के हुकूक उन्हें हासिल हो जाते हैं। इसी तरीके से औलाद जब अपने फ़राइज़ अदा करती है तो माँ बाप को उनके हुकूक मिल जाते हैं। इसी अंदाज से एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का ताल्लुक है, यानी वो बंदा जिसने लोगों को उजरत पर रखा है, अपने पास जॉब पर रखा है, जब वो अपनी ड्यूटीज़ पे करेगा
तो उसके नतीजे में एम्प्लॉयज़ को उनके राइट्स खुद ब खुद मिल जाएंगे। इसी तरीके से जब एम्प्लॉयज़ अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करेंगे तो एम्प्लॉयर का जो राइट बनता है वो उसे मिल जाएगा। आप ये देखिए कि कुरान और सुन्नत में सबसे ज़्यादा जोर जिस अंदाज से हुक्म-ए-इबाद पर दिया गया वो फ़राइज़ के एतबार से है, यानी हम पर ये वाज़े किया गया कि हमने करना क्या है, हमारी ड्यूटीज़ क्या है। यानी कुरान का और सुन्नत का जो फोकस है वो ड्यूटीज़ पे है, क्योंकि ड्यूटीज़ के नतीजे में खुद बखुद लोगों को उनके राइट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। हमारे माशरे में होता यह है कि हम हुकूक़ की बहुत बात करते हैं, राइट्स की बहुत बात करते हैं, लेकिन इसकी आड़ में ये भूल जाते हैं या वो मामला दबा देते हैं जो हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है। जबकि हकीकत यह है कि अगर हम में से हर एक फ़र्द अपनी अपनी ड्यूटी को अदा करे, अपने अपने फ़र्ज़ को अदा करे, तो खुद बखुद लोगों को उनके हुकूक मिलना शुरू हो जाएंगे। आप देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान को हुकूकुल इबाद को इस तरह बयान फरमाया कि माँ बाप के हुकूक बयान फरमाए, हमसायों के हुकूक बयान फरमाए, दीगर मुसलमानों के हुकूक बयान फरमाए, वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं उनके मामलात में जो उनके हुकूक हैं वो बयान फरमाए। मिसाल के तौर पर जब वालदैन की बात आई तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया, जब एक सहाबी ने आपसे पूछा कि या रसूल अल्लाह ये बयान फरमाए कि मुझ पर सबसे ज़्यादा हक किसका है, तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ का तुम पर सबसे ज़्यादा हक है। फिर दोबारा पूछा इस इनके बाद किसका, तो रसूलुल्लाह अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया तुम्हारी माँ का हक है। फिर दोबारा पूछा, फिर यही जवाब इरशाद फरमाया, फिर दोबारा पूछा तो जवाब इरशाद फरमाया कि तुम्हारे वालिद का, यानी तीन दर्जे माँ की तरफ गए और एक वालिद की तरफ। इसी तरीके से दूसरे मुकाम पर हम पढ़ते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिद की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, यानी दोनों के हुकूक बयान फरमा दिए गए, दोनों की अपनी जगह अहमियत है। फिर कुरान करीम में तो हम ये पढ़ते हैं नाज़रीन किराम कि जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत का हुक्म दिया तो वहीं माँ बाप के साथ उसने सलूक करने का भी हुक्म दिया, बल्कि दुआ भी सिखाई गई रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ऐ हमारे रब हमारे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने हमारी बचपन में तरबियत की, हमें पाला, हमारी परवरिश की। तो नाज़रीन किराम इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह माँ बाप की अहमियत को उजागर किया गया है इस्लामी तालीमात के अंदर। इसी तरह पड़ोसियों के हुकूक को बयान किया गया कि पड़ोसी किसी भी सूरत में भूखा ना सोए, अगर हम पेट भर के खाएं, हमारा पड़ोसी भूखा सो जाए तो हदीस करीमा के मुताबिक हमारे लिए इंतहाई रुसवाई की बात है, यानी हमें अपने आसपास के हालात का पता होना चाहिए। फिर रिश्तेदारों के हुकूक, वो भी बंदे हैं, वो भी इंसान हैं, उनके बाद उनके बारे में बयान फरमाया सिलमन कता का, कि जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, सिला रहमी का हमें हुक्म दिया गया। यहाँ तक कि आका करीम अली सलात वसलाम की जो पहली सिफत सैयदा खदीजा रदी अल्लाह तआला ने बयान फरमाई, जब आका करीम अली सलात वसलाम पर पहली वही आई और आप सैयदा खदीजा के पास वापस जब आए तो सैयदा खदीजा ने जिन अल्फाज से आप अली सलातो सलाम को तसल्ली दी उसमें पहली बात ये थी इन्नका लतसिलुर रहीमा, कि आप सिला रहमी फरमाते हैं, यानी रसूलुल्लाह अली सलातो सलाम खुद सिला रहमी फरमाया करते थे, कमजोरों के लिए, नातवा के लिए कमाया करते थे, मोहताजों की मदद किया करते थे। तो ये सारे काम क्या थे, ये हुकूकुल इबाद थे। यहां पर एक और बात वाजह हो नाज़रीन किराम जो शायद बाज़ दफ़ा हम हमारे नज़रों के सामने नहीं होती, वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, के खालिक की मासियत में यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मासियत में मखलूक की इताअत नहीं, यानी मखलूक में या लोगों में कोई भी शख्स हो, कितना ही करीबी रिश्ता हमारा हो, इवन के माँ बाप ही क्यों ना हो, अगर वो हमें किसी ऐसे काम को करने का हुक्म दें जिससे अल्लाह ने मना फरमाया, रसूलुल्लाह ने मना फरमाया, तो हम पर लाजिम है कि वो हम बात ना माने, बल्कि प्यार मोहब्बत से अपने वालदैन को भी समझाने की कोशिश करें, या जो और लोग हों वो हमें बुराई का हुक्म देते हों या गैर शरी काम करने का हुक्म देते हों तो उन्हें समझाएं और किसी भी सूरत में उनकी बात ना माने। क्यों? क्योंकि मखलूक की इताअत मशरूत है। मशरूर होने का मतलब यह है कि वो इस अंदाज से कंडीशनल है कि अगर वो अल्लाह और उसके रसूल अली सलातो सलाम के फरमान के खिलाफ होगी तो हम वो इताअत नहीं मानेंगे, वो इताअत नहीं करेंगे। हर वो चीज़,
ہر اس چیز کے اندر لوگوں کی بات کو مان لیں گے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے موافق ہو۔ تو یہ خط فاصل اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بارہا ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں اتنے قریبی شخص نے، اتنے قریبی رشتہ دار نے مجھے یہ کہا تو میں نے کر دیا، پھر یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ کام جائز تھا یا ناجائز تھا۔ تو جائز اور ناجائز کے معاملات میں، حلال اور حرام کے معاملات میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر نظر رکھنے اور اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ پھر ایک مقام پر فرمایا، من کانا فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ ایک فرمان میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی دنیاوی مشکل کو حل کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے قیامت کے دن آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح جب ہم حقوق العباد ادا کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کا خاص کرم ہم پر ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے بھی مطلوب یہ ہے، محبوب یہ ہے کہ ہم اس کی مخلوق کے کام آئیں اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لوگوں کی مدد کریں۔ حقوق العباد کے معاملے میں بھی، ہیومن رائٹس کے معاملات میں بھی ایسی ڈیفینیشن سیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں جو ہمارے دین کی تعلیمات کے خلاف ہوں، جو ان تعلیمات کی عکاسی کرتی ہوں جن کا دین سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات لازمی ہونا ضروری ہے ہمارے سامنے کہ ہم حقوق العباد کے اندر بھی اپنا پیمانہ وہ رکھتے ہیں، اپنا کرائٹیریا وہ رکھتے ہیں جو شریعت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت کے حوالے سے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شکایت کا ذکر ہے جو ان لوگوں کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کریں گے جنہوں نے قرآن حکیم کو نظر انداز کر دیا تھا، پس پشت ڈال دیا تھا۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، وقال الرسول، اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام بطور شکایت یہ کہیں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ اے میرے رب، بے شک میری اس قوم نے اس قرآن کریم کو ترک کر دیا تھا۔ یہ مہجورہ کا لفظ ہے، اس کے بارے میں یہ وضاحت بھی کی گئی ہے کہ ایک ایسی شے جس کو آدمی قابل التفات نہ سمجھے، اہمیت نہ دے، مفید نہ سمجھے، اپنے لیے لازم نہ سمجھے، ضرورت مند نہ ہو اس کا، اور اپنے آپ کو اس کے لیے ضرورت مند محسوس نہ کرے اور اس کو نظر انداز کر دے، تو مہجورہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شکایت ہے۔ یقیناً اولاً تو یہ مراد مشرکین اور کفار ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کی دعوت کو رد کر دیا تھا، ان کے بارے میں ذکر آ رہا ہے۔ البتہ مفسرین نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ ہم مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے کہ یہ شکایت ہمارے خلاف نہ ہو جائے، قرآن کریم پر کوئی ایمان نہ لائے تو یہ بھی قرآن حکیم کو پس پشت ڈال دینا ہے، نظر انداز کر دینا ہے۔ کوئی قرآن پاک کی تلاوت کو درست طریقے پر سیکھنا اور اس کی باقاعدہ تلاوت کرنا، اس کا اہتمام نہ کرے، یہ بھی قرآن کریم کو نظر انداز کر دینا ہے۔
कोई क़ुरान पाक को समझने की कोशिश ना करे तो ये भी क़ुरान हकीम को नज़रअंदाज कर देना है। कोई क़ुरान हकीम के अहकाम पर अमल करने की कोशिश ना करे, ये भी क़ुरान हकीम को नज़रअंदाज कर देना है, पसे पुछ डाल देना है। कोई क़ुरान करीम के पैगाम को दूसरे तक पहुँचाने के लिए कोशिश ना करे, ये भी क़ुरान करीम को पसे पुछ डाल देना है। हम मुसलमानों पर क़ुरान मजीद के 5 हुकूक़ आयद होते हैं। नंबर 1 क़ुरान हकीम पर ईमान, नंबर 2 क़ुरान हकीम की बाकायदा तिलावत, नंबर 3 क़ुरान हकीम को समझने की कोशिश करना, नंबर 4 इस क़ुरान करीम के पैगाम को दूसरों तक पहुँचाना, बल्कि नंबर 4 इस क़ुरान करीम के अहकाम पर अमल करना और उनके अहकाम उन अहकाम के नफाज की जद्दोजहद करना, और नंबर 5 इस क़ुरान करीम के पैगाम को दूसरों तक पहुँचाना। अगर हम ये हकूक़ अदा कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला क़ुरान करीम भी हमारे हक़ में सिफारिश करने वाला होगा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात भी हमें मैसर आएगी। लेकिन अल्लाह ताला महफूज रखे कि अगर क़ुरान करीम को पस पुश्त डाला हुआ है, नज़रअंदाज किया हुआ है, इस पर दिल की गहराइयों से ईमान नहीं, इसकी तिलावत का एहतमाम नहीं, इसको समझने की कोशिश नहीं, इसके अहकाम पर अमल की मेहनत नहीं, इसके अहकाम के नफाज की जद्दोजहद नहीं, और इसके पैगाम को अगर पस पुश्त डाला हुआ है तो डरना चाहिए, कहीं कल अल्लाह के रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खिलाफ़ शिकायत लेकर खड़े ना हो जाए। और जिसके खिलाफ़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत लेकर खड़े हो जाए, अंदाज़ा कीजिए कौन उसको अल्लाह ताला की पकड़ से बचा सकेगा। हम भी अपने शब व रोज़ के मामूलात में देखें कितना वक्त कुरान पाक के लिए हम मख्तस करते हैं और मुअय्यन करते हैं। क्या इस पर वाक़ईतन दिल से ईमान है? क्या इस कुरान पाक की बाकायदा तिलावत पूरी ज़िंदगी इसका हम एहतमाम कर रहे हैं? क्या हमें इसको समझने का मौका मिल रहा है? अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है, किन बातों का हुक्म देता है और किन बातों से मना फरमाता है, क्या हम इसकी कोशिश कर रहे हैं? क्या हम कुरान पाक के अहकाम पर अमल की कोशिश कर रहे हैं? जो अहकाम मुझसे आपसे फ़ौरन मुतालिक हैं, नमाज अदा करो, माँ बाप के साथ उससे शुरू करो, नाप तोल में कमी ना करो, फ़ौरन अमल करना है। और जो अहकाम इज्तिमाई ज़िंदगी से मुतालिक हैं, उनमें अहकाम के नफाज के लिए, इज्तिमाई मामलात ज़िंदगी में कुरान पाक के अहकाम के नफाज के लिए जिद्दोजहद करना हमारा फ़र्ज़ है। क्या हम कर रहे हैं कि नहीं? और ख़त्मे नबूवत के तुफैल इंसानियत तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाना, कुरान पाक की दावत को पहुँचाना, ये फ़र्ज़ हमारे कंधों पर है। क्या हम अदा करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा मामला है कि अगर कुरान पाक को नज़रअंदाज कर दिया गया, पसे पुश्त डाल दिया गया, उससे बेएतनाई बरती गई और उससे ताल्लुक़ की मजबूती का एहतमाम नहीं किया जा रहा, तो डरना चाहिए कल कहीं अल्लाह के रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत लेकर हमारे खिलाफ़ खड़े ना हो जाएं। अल्लाह ताला उनकी शिकायत से हमें बचाए और अल्लाह ताला हम सबको उनकी शफ़ात नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाहिद अंसारी और आज हम हैं एक घर के बाहर, हम खड़े हैं। मैं आपको लेके चलूंगी, मिलवाऊंगी
ये जो काविश प्ले इंटरटेनमेंट ने शुरू करी है एहसास रमज़ान के हवाले से, एक दिन की नेकी, कहने को तो एक दिन की नेकी है मगर आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है अगर आप कहीं जाते हैं और आप ऐसे घरानियाँ, हर घर में कोई ना कोई कहानी ज़रूर है, कहीं छोटी कहीं बड़ी मगर है। और एक पेट होता है हर इंसान के साथ जहाँ मुझे आपको वक्त बे वक्त भूख लगती है, जब दिल चाहता है जो चीज़ का दिल चाहता है हम ले सकते हैं, हम खा सकते हैं। मगर क्या कभी आपने सोचा है ऐसे भी घर हैं जहाँ लोग भूखे भी सोते हैं, जहाँ उनके मासूम बच्चे 1 साल 6 महीने के भूखे भी सोते हैं और अगले दिन का उनको नहीं पता कि उनको कुछ खाने को मिलेगा। सोचिएगा ज़रूर। और हम चलते हैं और मिलते हैं कि इनको सख्त बीमार हैं, एक बेटा है इनका वो समंदर पे चला जाता है, बीवी इनकी है नहीं और बहू जो है वो इनका ख्याल रखती है। ऐसी भी बहुएं हैं जो ससुर का ख्याल रखती हैं और जब वो बेटा जाता होगा समंदर पे 8-10 दिन के लिए तो जाता ही है। तो ये देखकर आपने सिर्फ मदद नहीं करनी, आपने अपने आप को बदलना भी है, अपने आप को सही रास्ते पे लाना भी है, सोचना भी है कि ये भी होता है, मैं और आप अनोखे नहीं हैं जो हमें हर आसाइश अल्लाह ताला ने दे दी है फ्री में। मैं तो अपने आप को इतना नेक या ऐसी वर्थ नहीं समझती कि अल्लाह ने हर चीज़ से नवाब, फिर भी हम शिकायतें कर रहे हैं, ना शुक्रपना भी कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें, देखें, सोचें और आगे बढ़ें। तो हम चलते हैं अंदर और आपकी मैं मुलाकात कराती हूँ, चलते हैं। मैं जहाँ पे अभी आई हूँ, आपने मैंने शायद सिर्फ तस्वीरें देखी होंगी, मैंने असल में ऐसा नहीं देखा। आप अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? अब्दुल कलाम। कितने साल हो गए आपको? आप कैसे हैं अभी? एक बात, दूसरा बात है, अभी हमारा तकलीफ है ये जो पाँव है, पाँव का लिए हम खाना होने सकता नहीं है। आप खाना नहीं खाते, आपकी तो पूरी हड्डियाँ नजर आ रही हैं। बैठ नहीं सकता नहीं है, खाना जो इतना दिल खाता है, फिर बस ये कब से ऐसे बीमार है? 6-7 साल हो। 7 साल। और आप क्या करते थे काम पहले? हम मुंशी था, फार्म का। फार्म पे काम करते थे, मुर्गियों का, फीट का। और ये जो हैं ये इनकी बहू हैं, आपने कभी सुना इनके जो शौहर हैं, इनकी बेटी, कितनी बेटियाँ आपकी? इनकी 7 बेटियाँ हैं माशाल्लाह, 2 की शादी हो गई है। मियाँ जो है वो चले जाते हैं बोट के ऊपर, यहाँ मछेरे हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। और कितने दिन में आते हैं? 20 दिन। और ये अपने ससुर की खिदमत करती हैं। और आप ससुर का हाल देखें, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हड्डियाँ नज़र आ रही हैं, खाना कुछ नहीं खाते, बस ये पंप है इससे सांस लेते हैं, मतलब ये उसके लिए है। और खाना आप कुछ नहीं खाते? खाता था कभी कभी। आपका दिल नहीं चाहता आप उठें? हम उठ के घूमें, ये इतना हिम्मत है हमारा। फिर बाथरूम कैसे जाते हैं? मगर पैंपर पहनते हैं, मगर अब मगर जब हम उठता है तो हम ऐसा गिर जाते हैं। आज गिर गया अल्लाह माफ़ी। आपका तो हाल देखकर आप कैसे खड़े हो सकते हैं? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अपना रहम और करम फरमाए और आपको भी हिम्मत दे कि आप अपने ससुर की खिदमत। आपके रिश्तेदार हैं आपके ससुर? हाँ, मेरे ससुर वो तो है मगर वैसे आपकी रिश्तेदारी नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं, और ये खिदमत करती हैं और बड़ी कंटेंटमेंट और खुशी से करती है। कोई मियाँ तो है नहीं जो ज़बरदस्ती। देखिए दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, ये भी एक सीखने का वक्त है। ये हमारा वो जो है ना माँ से बहुत बड़ा है, ये हमारा मेरे से गुजारा नहीं था, किसी से खिलाते हैं, पैसे की मतलब
आपको पता है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये मेरी माँ से भी बढ़कर है। मतलब एक इंसान जो लेटा हुआ हो, कुछ ना कर सक रहा हो और इस हालत में हो जो आप देख रहे हैं, और एक बहू, ये भी एक बहुत कम सुनने में आता है, देखने में आता है, ये तो मैं सामने देख रही हूँ। तो ऐसी भी बहुएँ होती हैं, बहुत बहुत कुछ होता है दुनिया में। और उन्होंने उसको कहा कि माँ से भी अल्लाह ताला कितना राज़ी इनसे, और ये जिस हाल में पड़े हैं, दुआएं दे रहे हैं, ये दुआएं लगती हैं इंसान को। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, हम किसी की भी खिदमत कर सकें। अगर हम, मुझे आपको अल्लाह ने तौफीक दी और ऐसी चीज़ें दिखाई हैं, अल्लाह ताला, मुझे ये लगता है कि अल्लाह दिखाता है उनको जिससे अल्लाह ताला कुछ काम लेना चाहता है। और अगर इस वक्त भी मैंने और आपने कुछ नहीं सीखा और कुछ नहीं किया, तो मेरे ख़्याल से मैं क्या कह सकती हूँ कि अल्लाह एक मौका दे और हम ना सीखें। ये वो चीज़ें हैं जो हमारा फ़र्ज बनता है। अल्लाह ने, अल्लाह ताला इनको सेहत दे। अल्लाह ताला, आप कुछ कहना चाहेंगी? आपको कुछ, आप इनको दें पहले, इनसे कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे? हम बाबा अभी कौन का क्या है, हमारा अल्लाह है, हर ही लोग है, ऊपर अल्लाह है, ज़मीन पे ये लोग है, ये लोग मगर हमको भीख मांग के भी देता है दवाई, पूरा दो दिन में एक दवाई जाता है, हमारे से पूरा नहीं होता, पूरा नहीं होता है तो दो दिन जमा। आप कुछ काम करती हैं? हाँ। आप क्या करती हैं? मेरे वो काम नाथका भरा है ना। अच्छा, ये कपड़ों पे, और इनकी बेटियां नग लगाती हैं कपड़ों पे ताकि मिल जाएं, क्योंकि मियाँ हाँ। जब किश्ती पे जाते हैं तो बहुत दफ़ा मछली नहीं पकड़ में आती, हाँ, तो फिर इंसान भूखा तो नहीं सो सकता, बच्चे भी बड़े। कितनी बड़ी हैं बेटियाँ? एक बड़ी है अभी और छोटी है, दो का शादी हो गया, दो का शादी हो गया, बच्चे बड़े हो जाएं। माँ खिदमत भी कर रही है, सोच रही है, अल्लाह सबको तौफीक दे। इसलिए ना बाहर काम पे नहीं जा सकता ना, इनको छोड़ के नहीं जा सकता। मैंने बाहर काम करते हैं, क्या कह रहे हैं, अल्लाह करें, यही चीज़ है, अल्लाह ही मदद करने वाला है, अल्लाह ताला ही रास्ते बनाता है। और ये भी एक आजमाइश होती है कि किस तरह ये लेटे हमें देखकर हो रहा है, और आप तो 24 घंटे देखती हैं। हमारे को बहुत परेशानी आता है जी, अल्लाह ताला। अभी आपके मियाँ वहाँ गए हैं? हाँ, पैसे नहीं घर पे, क्या करें, सारे पैसे कहाँ से आएंगे? और अगर ये नग भी लगाती हैं तो इनको 20-30 रुपए नहीं आता ना, 20-30 रुपए आज के वक्त में क्या चीज़ है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, इंसान क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं, हम ज़ीरो हैं, ये हाथ पांव सलामत हैं, उठ बैठ रहे हैं, अपने आप से उठ के हर काम कर सकते हैं। अल्लाह ताला से सबसे पहले तो ये दुआ होनी चाहिए, अल्लाह किसी का मोहताज ना करे। और इस हालत में लेटे हुए हैं, खुशकिस्मती है इन्होंने नेकी करी, इनको ऐसी बहू मिली जो इनकी खिदमत कर रही है। इनको सिर्फ ये कहते हैं मुझे ये चाहिए दवाई, खाना नहीं दो, ये नेजल स्प्रे है या इससे सांस लिया जाता है तो इससे इनको सांस आता है, तो ये कहते हैं मैं भीख भी मांगूं सिर्फ इसके लिए। तो इंसान को क्या क्या चीज़ ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है, जब अल्लाह ताला हमें हर चीज़ फ्री में देता है, यानी कि सांस फ्री में, हर चीज़ फ्री में मिल रही थी, हम उसको रियलाइज़ नहीं करते, हम शुक्र नहीं करते हैं अल्लाह का। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें, और अगर ऐसे रास्तों में ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाए जिस हाल में ये हैं, तो प्लीज़ आगे बढ़ें, मदद करें। और आपके लिए ये प्ले एंटरटेनमेंट में एक छोटा सा तोहफा, आपको छोटी सी चीज़ है, और आप क्या चाहेंगे, आपके लिए क्या किया जाए, अगर आप कुछ कहना चाहें? किराया जमा गया ना, फिर मालिक ने बहुत बेइज्जती हो रहा है। अच्छा, आपका किराया आपने नहीं दिया? हाँ, जमा हो गया। आपका क्या किराया? 5,000 लेती हूँ मैंने, कभी कभी एक कमरा, दोनों, दो कमरा, दो कमरे, कमाने वाला एक वो भी रोज वो नहीं कमाता, 20-30 रुपए अगर मिल जाते हैं तो आई थिंक वो भी खाना कहाँ पूरा होता है 20-30 रुपए में। तो थोड़ा सा सोचिए, और सोचने के बाद आगे बढ़िए। मुझे लगता है सोचने में भी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, देखकर ही इंसान का दिल हिल जाता है।
अल्लाह का शुक्र अदा करिए और आगे बढ़िए। बहुत खुश आया बहु के ऊपर, बहुत खुश अल्लाह हमका बदला दे, ऐसा बंदा हार बंदा को मिले। आमीन। जो ऐसा हार चल रहा ये हमारा तो और कुछ नहीं है, ये दान दौलत हमारा कुछ नहीं है। बिल्कुल हाँ, हमारा चाहिए थोड़ा बस। और अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आपकी दुआ देखें, इतनी ये इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, दुआ से बढ़ के तो कोई चीज़ है ही नहीं। बात ही आ जाए हम थोड़ा नीचे जाए उठे थोड़ा चल नहीं सकता तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे तो आप तो कोई बंदा का हाँ समझ लो जैसा बोलने से होता नहीं है जी। जो भी हमको देखता है अल्लाह का तरफ से उसका दिल पर रहमत होता है, वो देता है। अभी है, आज चार साल हमेशा पड़ा है इधर एक पाई के इधर। अल्लाह ताला हिम्मत दे, उनकी ये दिल है कि मैं खुद उठ के जाऊँ बाहर खुद चल सकूँ। इस तरह पड़े पड़े इंसान क्या सोचता होगा, क्या उसको गुजरती होगी। अल्लाह ताला अपना रहम व करम फरमाए और आप लोग भी अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत है तो सब कुछ है, वरना आदमी बेकार है सेहत के। ये कैसे ये बीमार आप कैसे पड़े, क्या हुआ था आपको? हम मुर्गी पारों पे काम करते थे। हाँ। मुर्गी असली बात है हम जिम्मेदार था, अब 24 घंटा हम अंदर रहने होता है तो उसमें गैस भी है, गैस कुछ टाइम गैस ज़्यादा घूमती है एक बात है। और एक बात है हम एक्सीडेंट हुआ था देखो अरे ये गाड़ी से हाँ ये आप देखा उसका ऐसे भी हमारा थोड़ा ये वहाँ काम करते थे फार्म पर और वहाँ पे भी दवाइयाँ देना बीमारियाँ को देखिए हर चीज़ से कुछ ना कुछ होता है मगर अल्लाह ने इलाज भी रखा है। फिर इनका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद जब इलाज नहीं कर सके, 4 साल हो गए पड़े पड़े, जाहिर है इलाज नहीं होगा खाने को नहीं मिलेगा तो इंसान का क्या हाल होगा। तो अल्लाह ताला सबको सेहत दे, अपनी सेहत का ख्याल रखे और जो बीमार हैं उनको आप मदद करें तो इससे बढ़ के क्या बात। आप नंबर जो है हमारा चल रहा है, आप नंबर से आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आगे बढ़ के मदद करिए। सफ़ेद पोश हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बेटियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे ससुर हैं, वालिद हैं, कहां से ये हम किसी को यूँ नहीं देख सकते कि कोई भूखा रह जाए, भूखा रात को सो जाए। क्या आप अपने माँ बाप को या अपने बच्चों को भूखा सुला सकते हैं, ये आप सोच सकते हैं नहीं सोच सकते। तो प्लीज़ आप किसी की मदद करेंगे उससे 74 गुना ज़्यादा अल्लाह ताला आपको, अल्लाह ताला अपने ऊपर किसी का एहसान नहीं रखता। तो मेरी कोशिश है और इंतज़ार रहेगा कि आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे और सबकी हेल्प करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कोशिश करेंगे जो भी हम कर सके और अल्लाह ताला आप पे अपना रहम और करम फरमाए और ऐसी बहुएँ सबको दे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला और आपको भी हिम्मत दे, ताकत दे और आपकी मियाँ को भी काम। शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह। अल्लाह का फरमान है और नेकी का सामान, रमजान है एहसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम सैयदिल अव्वलीन व आखरीन मुहम्मद खातमुन नबीयीन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो मालिक कायनात और खालिक हयात है, और तमाम दरूद खातमुन नबीयीन शफीउल मुज़्ज़मीन रसूल मोहतशम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के लिए हैं कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम कायनात के लिए, तमाम इंसानियत के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। रमदान और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और प्रोग्राम के साथ
हम हाजिर खिदमत हैं और आज जो प्रोग्राम का मौजू है वो है तरबियत औलाद। औलाद की तरबियत उसी वक्त से शुरू हो जाती है जब बच्चा पहली बार दुनिया में आँख खोलता है और अपने इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ को रजिस्टर करना शुरू कर देता है, यानी गौर से देखता है, सुनता है, समझता है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। और वो जो कुछ देख रहा होता है, जो कुछ सुन रहा होता है, वो तमाम चीज़ें उसके जहन में होती हैं और उन्हीं के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो कुछ चीज़ें वालदैन के लिए लाजमी हैं जो उनको करनी होती हैं। सबसे पहले तो ये कि बच्चा जो है जब दुनिया में आता है तो सातवें दिन जो है उसके बाल उतारे जाते हैं, जिसको हम अकीका बोलते हैं, वो किया जाता है। फिर उसका बहुत अच्छा सा प्यारा सा नाम रखा जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अंबिया के नामों पे नाम रखो या जो मेरे नाम हैं उन पे नाम रखो तो बहुत अच्छा है। और दो नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद हैं, उनमें से एक है अब्दुल्ला और दूसरा नाम है अब्दुल रहमान। फिर आपने फरमाया कि अगर कोई मेरी मोहब्बत में और बरकत की खातिर अपने बच्चे के नाम के साथ मोहम्मद लगाए तो बहुत अच्छा है, और अगर कोई शख्स मोहम्मद या अहमद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लगाता है और बरकतें समेटता है तो ये बरकतें हमेशा उसके साथ ताहयात रहती हैं और क़यामत के दिन भी उसको यह सवाब मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई मेरे नाम का पे यानी कि मोहम्मद नाम अपने बच्चे का रखेगा तो फिर उसको और उसके वालिद को जन्नत में जगह दी जाएगी। और आपने ये भी फरमाया एक मौके पर कि मुझे हैरत है उन लोगों पर कि जिनके दो दो तीन तीन बेटे होते हैं और उनमें से किसी एक का नाम भी मोहम्मद नहीं होता। तो गोया आपने तलकीन की कि मेरे नाम पर नाम रखो, अंबिया इकराम के नाम पर नाम रखो, और वो नाम जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है जिनमें से एक है अब्दुल्ला और दूसरा है अब्दुल रहमान, ये नाम रखो। तो गोया अगर ये नाम बच्चों के रखे जाते हैं तो ये बाईस बरकत हैं, बाईस रहमत हैं। इसी तरह फिर आपने बच्चियों के नामों के हवाले से भी बताया कि बच्चियों के नाम जैसे ज़ैनब है, आमना है, फ़ातिमा है, ये बड़े बरकतों वाले नाम है। आपने फरमाया इस तरह के नाम रखो जो दीगर नाम दीन में आते रहे हैं, पहले जो नबियों की बीवियों के नाम थे उन पर नाम रखो। और आपने फरमाया कि अगर कोई अपना कोई ऐसा नाम रख चुका हो अपने बच्चों का जिसके मानी बहुत अच्छे ना हों तो फिर उसको बदल ले, जैसे कि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक साहबजादी थी जिनका नाम था आसिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब इल्म में ये बात आई कि उनका नाम आसिया है तो आपने फरमाया कि तुम अपना नाम बदल लो और उनका नाम बदल कर जमीला रख दिया। इसी तरह अबू सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक बेटी थी जिनका नाम था बर्रा, तो आपने फरमाया कि ये मानी जो है यानी कि गोया इसका मतलब है कि बहुत ही इज़्ज़त और तकरीम और इस तरह के मानों में आता है, तो आपने फरमाया कि गोया अपनी तारीफ खुद की जाए, ये उन मानों में आता है। तो आपने फरमाया कि ये नाम बदल लो और उनका नाम भी आपने बदल के ज़ैनब रख दिया। इस तरह जो लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर होते और उनके नाम अगर अच्छे ना होते तो आप उन्हें बदल दिया करते। अच्छा, जब हम बच्चा पैदा होता है तो हम सबसे पहले जो है कोई भी खजूर या शहद इस तरह की कोई चीज़ जो है वो बच्चे को थोड़ा सा खिलाते हैं या उसके तालू में लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं थोड़ा सा कुछ चटा देना। ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में जब हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु आए तो आपने खजूर मंगाई और थोड़ी सी चबा के उनके तालू में लगाई, इसको तहनीक कहते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बच्चों की बहुत ज़्यादा किया करते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब बच्चा पैदा होता तो सबसे पहले उसके दाएँ कान में अज़ान और बाएँ कान में इकामत कही जाती, फिर खजूर चबा कर उसको चटाई जाती। और ये वो सिलसिला था जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इसी तरीके से बच्चों के साथ करना चाहिए, क्योंकि जब आप बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद उसके दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में इकामत कहते हैं तो गोया सबसे पहला नाम जो उसके कानों में जाता है वो अल्लाह का नाम है, और ऐसा ही होना चाहिए। आपने फरमाया कि पहले अज़ान और इकामत कही जाए, बच्चे को खजूर चटाई जाए या शहद थोड़ा सा खिला दिया जाए, उसके बाद फिर सातवें दिन उसका अकीका किया जाए और जो बाल उसके उतरें उसके हम वज़न चांदी जो है वो सदका कर दी जाए। लेकिन अगर कोई इतना साहिब हैसियत नहीं है कि वज़न के बराबर चांदी सदका नहीं कर सकता तो फिर वो कुछ और भी सदका कर सकता है। लेकिन अकीका जो किया जाता है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दो बकरे जो हैं वो बेटे की तरफ से और एक बकरा जो है वो बेटी के अकीके में जो है वो ज़िबा किया जाए और फिर उसका गोश्त जो है वो गरीबों को मिस्कीनों को खिलाया जाए।
तो गोया ये तो इब्तदाई वो काम है जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए बच्चों के हवाले से और बताया। फिर आपने फरमाया कि अगर तुम्हारे घर में बेटी पैदा होती है तो उसे भी उतनी ही इज्जत दो, उतना ही प्यार करो जितना कि बेटे की पैदाइश पे खुशी मनाते हो। आपने फरमाया खुशी मनाओ, नेमत है ये तुम्हारे लिए, यानी औलाद जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें एक बहुत खूबसूरत सा सिलसिला अता किया है जो दुनिया में और आखिरत में तुम्हारा नाम लेके चलेगा, तो तुम्हें खुशी मनानी चाहिए और ये खुशी सिर्फ बेटे की पैदाइश पे नहीं बल्कि बेटी की पैदाइश पे भी मनाओ। आपने फरमाया कि जब बेटी किसी के घर में आती है तो फरिश्ते नाजिल होते हैं और वो उस बच्ची को अपने परों में ढांप लेते हैं और उसके लिए दुआएं रहमत करते हैं और उन लोगों के लिए दुआएं रहमत करते हैं जो उसके माँ बाप होते हैं, जो उसके आसपास होते हैं, कि ये कमज़ोर जान है जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है, तो जो इसका ख्याल करेगा अल्लाह ताला उसे अपने पास रखेगा, अपने करीब करेगा, उसे अपनी रहमतों से नवाजेगा। तो गोया वो वालदैन जो बच्ची की पैदाइश पर खुशी मनाते हैं, जो उसकी तरबियत उसी तरह से करते हैं जैसे बेटों की तरबियत की जाती है और उसकी तमाम ज़रूरतों का ख्याल उसी तरह से रखते हैं जैसे बेटों का रखा जाता है, तो अल्लाह ताला उनसे राज़ी होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह ताला के फरिश्ते उस घर में नाजिल होते हैं जो कि बच्चियों को ढांपते हैं अपने परों से और उस बच्ची के लिए और उसके वालदैन के लिए दुआ करते हैं। तो गोया बच्चियाँ हों या बच्चे हों, दोनों अल्लाह ताला की रहमत हैं, नेमत हैं, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, उनकी अच्छी तरबियत करनी चाहिए और पहले दिन से ही जो चीज़ें हमें बताई गई कि हमें उनको सबसे पहले अजान देनी है, अकामत कहनी है, उसको खजूर या शहद चटाना है, फिर अकीका करना है, ये तमाम वो ज़रूरी काम है जो हमें बहुत शुरू में कर लेने चाहिए, जिनका करने का हुक्म है हमें। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के घर में जब बेटे की विलादत हुई तो आपने ख़ास तौर से मक्के की खजूर मंगाई और एक बहुत ही बुज़ुर्ग और नेक खातून को बुलवा कर उनसे कहा कि तहनीक फरमाइए बच्चे की, तो उन्होंने वो खजूर जो है चबा के और उस बच्चे के उनके बेटे के तालू में लगाई। तो गोया ये एक सिलसिला है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इस सिलसिले को इसी तरह से चलना चाहिए, लोग इसका बड़ा अहतमाम करते हैं, लोग इस बात का बेनता अहतमाम करते हैं कि जब बच्चे की पैदाइश हो तो किसी ऐसे नेक शख्स को बुलाकर, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, खजूर जो है वो उसको देकर और बच्चे को चटाई जाए ताकि वो नेक जो असरात हैं उस शख्सियत के वो उस बच्चे पर पड़ें और उस वक्त फिर उसके लिए दुआ की जाती है बच्चे के लिए कि अल्लाह ताला उसको सेहत सलामती तंदुरुस्ती अता फरमाए, उसको नेक बनाए, उसको फरमाबरदार बनाए, उसको अच्छा इंसान बनाए, ये दुआ करने की भी ताकीद की गई है। तो गोया ये तमाम वो काम हैं जो बच्चे की पैदाइश के साथ ही शुरू हो जाते हैं, अजान और अकामत कहना, उसकी तहनीक करना, उसका अच्छा नाम रखना, उसका उसके बाद अकीका करना चाहे वो बेटी है या बेटा हो, और फिर वो एक तरबियत का सिलसिला शुरू हो जाता है कि बच्चे को जो है माँ ने दूध पिलाना है और वो उसका हक है, कुरान पाक में इसकी वजाहत मिलती है और यही वो हक है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिला दिया गया है माँ को कि वो बच्चे को दूध पिलाती है, उसके लिए जागती है रातों में, उसके लिए तकलीफ़ उठाती है और यहाँ तक कि वो बैठना शुरू कर देता है, फिर वो चलना शुरू कर देता है और बोलना शुरू कर देता है, और जब बच्चा बोलना शुरू कर दे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि सबसे पहले बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ, और जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना सीख ले तो तुम फिर बेफिक्र हो जाओ, यानी अब उसकी बुनियाद पड़ गई और उसने ला इलाहा अपनी ज़ुबान से अदा कर दिया, तो गोया अब तमाम मामला तमाम चीज़ें उस बच्चे की अच्छी होती चली जाएंगी। लेकिन बच्चों की तरबियत एक ऐसा सिलसिला है जो हर लम्हे और हमेशा जो है वालदैन करते ही रहते हैं जब तक बच्चे उनके पास होते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन जो बुनियादी उसके साल होते हैं इब्तदा के, उसमें उनकी तरबियत की बड़ी अहमियत होती है। इसीलिए मौला अली ने फरमाया कि बच्चे के जो इब्तदाई 7 साल हैं उनको तुम बादशाहों की तरह रखो, उसके बाद के जो 7 साल हैं उन्हें ग़ुलामों की तरह रखो, और उसके बाद के जो 7 साल हैं उनको तुम अपने वज़ीर बना लो, वज़ीरों की तरह रखो। आपने फरमाया कि इसमें बहुत बड़ी हिकमत है, जब बच्चा छोटा होता है तो ज़ाहिर है उसे बहुत सी चीज़ों का शऊर नहीं होता, बहुत सी चीज़ों को वो समझ नहीं पा रहा होता, तो वो अपनी मर्ज़ी से खेलना चाहता है, अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहता है, अपनी मर्ज़ी से सोना और जागना चाहता है, तो तुम उसे गले से लगा के रखो, सीने से लगा के रखो, उसे बहुत प्यार करो और बच्चों को चूमो, क्योंकि जो बच्चों को चूमता है उसको भी दर्जात मिलते हैं जन्नत में। शायद ये बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि अपने बच्चों को चूमो, उनको सीने से लगाओ, उन्हें प्यार करो,
और उनको बिल्कुल ऐसे ट्रीट करोगे जैसे वो बादशाह हैं और बस जो वो चाहते हैं वो पूरी तरह से उनको अच्छे माहौल के साथ जो कुछ भी आप बेहतर दे सकते हो वो उनको दो, क्योंकि उस वक्त उनके अंदर वो मोहब्बत और प्यार जो माँ बाप की तरफ से मिल रहा होता है उनकी शख्सियत बन रही होती है, उनके अंदर वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो डेवलप हो रही होती हैं एतमाद के हवाले से जब वालदैन प्यार करते हैं, जो आगे उनके बहुत काम आती हैं। और फिर इन्हीं 7 सालों में यानी जब वो 7 साल की उम्र को पहुँचते हैं तो फिर अल्लाह ताला का फिर हुक्म है कि अब आप उनको नमाज की तरफ ले आओ यानी नमाज सिखाओ। 10 साल की उम्र को पहुँच जाएँ तो उनके बिस्तर अलग कर दो और नमाज की पाबंदी सख्ती से कराओ। फिर अगर वो नमाज की पाबंदी सही तरह से नहीं करते तो थोड़ी बहुत सख्ती भी की जा सकती है, इसकी भी इजाज़त है, लेकिन चेहरे पर मारने से मना फरमाया है कि चेहरे पर नहीं मारना। आप उनको डांट सकते हैं, थोड़ा उनके साथ किसी और रवैये के साथ उनके अच्छे तरीके से उनको हैंडल कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत से भी थोड़ी बहुत सख्ती से भी, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उनकी तरबियत इस तरह से करें कि मार की ज़रूरत पेश ना आए। क्योंकि इब्तिदा में आप बच्चों को जिस तरह से आदत डाल देते हैं बात समझाने की बात कहने की, बच्चे उसी के आदि हो जाते हैं। अगर शुरू से आपने ये रवैया रखा कि प्यार और मोहब्बत से आपने जो बात समझाई वो बच्चे ने समझ ली तो यकीनन बहुत अच्छी बात है, बच्चे इसी तरह के आदि हो जाते हैं। लेकिन आपने शुरू से ये सोचा कि नहीं मैं सख्ती रखूँगा और अगर मैं डांटूँगा डपटूँगा या मारूँगा तो बच्चा खौफ से जो है वो काम कर लेगा, तो यकीनन वो बच्चा उस वक्त खौफ से काम ज़रूर कर लेगा लेकिन उसकी शख्सियत ख़राब हो जाएगी। आपने उसकी शख्सियत को बर्बाद नहीं करना, तबाह नहीं करना, आपने मोहब्बत के साथ तमाम चीज़ों को लेकर चलना है, चाहे वो नमाज़ सिखानी हो कुरान पढ़ाना हो। और फिर ये भी तो हमें जहन में रखना चाहिए कि 4 साल और 4 महीने की उम्र तक जब बच्चा पहुँचता है तो उसे कुरान भी तो पढ़ाना है, और कुरान पढ़ाने के लिए भी ये तमाम जो बातें हैं कि हमें बच्चे को 4 साल की उम्र से पढ़ा देना चाहिए, ये वो उम्र होती है जब बच्चा जो है बोलना सीख चुका होता है, वो अपने अल्फाजों को अदा करना सीख चुका होता है। तो जब वो बोलना सीख जाए अच्छे से, हम उसे कलमा सिखा चुके हों, हम उसे दीन की छोटी छोटी बातें बताना शुरू कर चुके हों, हम अल्लाह और उसके प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में जगा रहे हों, तो वो जब इन तमाम चीज़ों को सुनता है समझता है उसको फिर समझने लगता है तो यकीनन फिर वो उस तमाम अमल को जो पढ़ने का लिखने का समझने का सीखने का होता है उसको भी पूरी तरह से कर रहा होता है। तो इसलिए जब वो 4 साल की उम्र का होता है तो आपने उसको कुरान पढ़ने के लिए बिठाया, आपने उसको दीन की बातें बताना शुरू की, फिर आपने उसको नमाज सिखाई, और फिर 10 साल की उम्र तक जब वो पहुंचा तो आपने उसको पाबंद बना दिया कि उसे इन तमाम चीज़ों पर बाकायदगी से अमल करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों से बेहद शफ़क़त फरमाया करते थे। आपको अल्लाह ताला ने 2 बेटे नवाजे, 2 बेटों से नवाजा, लेकिन वो बहुत छोटी उम्र में ही अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। जो आपकी 4 बेटियां थीं उनकी तरबियत आपने इंतहाई मोहब्बत से की, बहुत ज़्यादा शफ़क़त फरमाते थे, बहुत नरमी से उनके साथ पेश आते थे। हज़रत बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब आपके पास आती थी तो आपका ये मामूल था कि आप उनको लिपटा लेते, उन्हें बोसा देते, खुद खड़े हो जाते उनसे उनके प्यार में और एहतराम में और इज़्ज़त में, और उनको अपनी जगह पर बिठाया करते और बाज़ दफ़ा अपनी चादर मुबारक उनके लिए बिछा दिया करते। तो ये बहुत छोटी उम्र से आपने शुरू कर दिया था ये मोहब्बत ये इज़्ज़त, क्योंकि जब आप किसी बच्चे को मोहब्बत और इज़्ज़त देते हैं तो आप उसकी शख्सियत को भरपूर बना देते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो यकीनन उसकी शख्सियत में कमी रह जाती है। इसी तरह आप अपने नवासों हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बेइंतहा चाहते थे, उन्हें गोद में लेते, उन्हें कंधों पर बिठाते, और जब आप नमाज़ पढ़ रहे होते और वो अगर कभी आपके कंधों पे आके बैठ जाते, ज़ाहिर है वो बहुत छोटे थे तो वो आप अपने सजदों को तवील कर दिया करते, और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि आप जो है वो कोई दर्स दे रहे हैं या खुतबा हो रहा है और वो सामने से तैयार होकर दोनों शहजादे आ रहे हैं, अभी बहुत छोटे हैं, एकदम से लड़खड़ा के गिर पड़ते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ी से उठते हैं, जाके उनको उठाते हैं, गोद में लेते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, सीने से लगाते हैं और अपने पैरों पर बिठा लेते हैं, और फिर सिलसिला वहीं से जोड़ देते हैं अपनी गुफ्तगू का, अपने खुतबे का, जहाँ से वो टूटा हुआ होता है। तो गोया आप उनको सबसे अव्वल अहमियत दे रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो बच्चों को इस तरह से अहमियत देनी है जब वो छोटे हैं, उनको सीने से लगा के रखना है, उनको इज़्ज़त देनी है, उनको प्यार करना है, और तमाम बातें तमाम काम जो हैं प्यार और मोहब्बत से उनको सिखाने हैं। और आप न सिर्फ ये कि अपने बच्चों के साथ इस तरह से रवैया रखते हैं बल्कि कभी रास्ते से गुजर रहे होते और रास्ते में बच्चे मिल जाते तो आप उनको सलाम में पहल करते, उनका हाल चाल पूछते, उनसे बातें करते। और इसी तरह से जब आपके बेटे का इंतकाल हुआ कासिम का, हज़रत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु का, तो आपकी गोद में थे वो और आप रो रहे थे कि एक सहाबी आए और जब उन्हें पता चला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अब इस वक्त गम की हालत में है, उन्होंने देखा कि आपके आंसुओं की एक झड़ी लगी हुई है और आप रो रहे हैं मुसलसल, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रो रहे हैं, तो आपने फरमाया कि क्यों,
ये मेरी औलाद है, अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इसके लिए शफ़क़त और मोहब्बत डाली है, और जब ये अल्लाह के पास जा रहा है, अल्लाह की अमानत है, तो मैं यकीनन तकलीफ़ में हूँ, गम में हूँ। तो गोया उनका, गोया उन्होंने इस तरह से ये बात कही कि आप भी रोते हैं, तो आपने फरमाया मैं इंसान हूँ, मेरी औलाद है, मेरे दिल में भी उसकी मोहब्बत है, जिस तरह से तुम लोग अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो, शफ़क़त से पेश आते हो, या उनको कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो तुम लोग तकलीफ़ में आ जाते हो, तो इसी तरह से मैं भी तकलीफ़ में आ जाता हूँ। अगर मेरी औलाद को कोई तकलीफ़ हो, कोई गम हो, तो ज़ाहिर है माँ बाप को गम होता है। हज़रत उमर फ़ारूक अपने बच्चों से बेनतहा मोहब्बत किया करते थे। एक मरतबा एक सहाबी हज़रत आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से उनके घर पर मिलने के लिए तशरीफ़ लाए। उन्हें कुछ काम भी था, उनसे कुछ जानना चाहते थे। तो उन्होंने क्या देखा कि आप जो हैं वो लेटे हुए हैं और बच्चे उनके सीने पर उछल रहे हैं, कूद रहे हैं और खूब मज़ा कर रहे हैं। आप बहुत हैरान हुए। आपने फरमाया कि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त खलीफा थे। आपने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, आप और बच्चों के साथ इस तरह? तो मैं तो अपने बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलता, ना इस तरह से कुछ करता हूँ, और मेरे तो 10 बच्चे हैं। मैं तो जब घर में दाखिल होता हूँ तो एकदम सन्नाटा छा जाता है और बच्चे दुबक कर एक तरफ बैठ जाते हैं। तो आपने फरमाया कि अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हो और अपने बच्चों के साथ ऐसा रवैया रखते हो तो यकीनन तुम अच्छा नहीं करते हो, और अल्लाह ताला ने अगर मोहब्बत और शफ़क़त तुम्हारे दिल से हटा दी है तो मैं क्या कह सकता हूँ। तो गोया आप खलीफा वक्त हैं, अपने बच्चों के साथ इस तरह खेल रहे हैं कि बच्चे आपके ऊपर कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उनके साथ मिलकर खेल रहे हैं, और आप देखने वालों को भी ये तालीम दे रहे हैं कि देखो जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो इसी तरह से अपने वालदैन के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, कभी वालदैन के ऊपर छलांगें भी लगा रहे होते हैं। तो जैसे वो खेल रहे हैं उनके साथ वैसे ही बच्चा बनकर खेलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा चाहे बहुत छोटा हो या बड़ा हो, जब उससे कोई वादा कर लो तो उसे पूरा करो। आपने फरमाया कि अगर तुम एक खजूर का भी वादा करो और तुमने किसी वजह से उसको पूरा नहीं किया तो क़यामत के दिन तुमसे उसके बारे में पूछा जाएगा। इसलिए बच्चों से कभी भी ऐसी बात और ऐसा वादा ना करो जिसको कि तुम पूरा नहीं कर सकते हो। आपने हमेशा यह तालीम दी कि उनके साथ नरमी का और बहुत अच्छा रवैया रखो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक मरतबा एक औरत मुझसे मिलने के लिए आई, उसके साथ दो छोटी बच्चियां थीं और वो बहुत भूखी थी। उसने कहा मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए, और मेरे पास उस वक्त एक खजूर के सिवा घर में कुछ भी नहीं रखा हुआ था। तो मैंने वो खजूर उठाकर उसको दे दी और कहा कि मेरे पास इस वक्त यही है। उसने उस खजूर के दो टुकड़े किए और आधी खजूर एक बच्ची को और आधी खजूर दूसरी बच्ची को दे दी, और वो बच्ची को खिलाकर शुक्रिया अदा करके चली गई। जब वो औरत चली गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए तो उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि मैंने ये वाक्या हुजूर को सुनाया कि इस औरत ने ऐसा किया, तो आपने फरमाया कि उसने बहुत अच्छा किया, और जो माँ बाप अपनी औलाद के साथ इस तरह का सलूक करते हैं, उनके साथ नरमी बरतते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, यकीनन अल्लाह ताला को राज़ी करते हैं और अल्लाह ताला जन्नत में उनको मकाम अता करेगा। और बहुत सारी जो चीज़ें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के हवाले से बताई हमें तरबियत में, पहले दिन से लेकर जब आप उसके कान में अजान दे रहे होते हैं और उसको भी करने के लिए जल्दी फरमाया, और उसके बाद जो बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए बिठाना 4 साल की उम्र से, 7 साल की उम्र पर नमाज की ताकीद, और उसके बाद उसमें सख्ती करना और तरबियत की दूसरी चीज़ें समझाना सिखाना, उसमें चंद चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको अगर हम बुनियाद बनाकर पकड़ लें और उसको बच्चों के लिए लाजिम करार दे दें तो यकीनन हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा इंसान बना सकते हैं। उसमें पहली बात यह है कि हम बच्चों को इस बात की आदत डालें कि वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, उनको नमाज का पाबंद बना दें, और तीसरी बात, उन्हें खिदमत करने की आदत डाल दें। अगर हमने अपने बच्चों को ये सिखा दिया कि झूठ बोलना जो है वो वाकई बहुत बड़ा गुनाह है, तो आप यकीन कीजिए कि उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वो इस बहुत बड़ी बुराई से जब निकल आएंगे, यानी कि वो उसमें, बच्चे तो वैसे ही मासूम होते हैं, झूठ बोलना उनको नहीं आता, वो हमेशा अच्छी बात और सच्ची बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग अपने रवैयों से उनको ऐसी चीज़ों की तरफ माइल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम शुरू से इसकी अहमियत बता दें और ये बताएं कि जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो फिर फरिश्ते 40 कोस दूर उससे चले जाते हैं, उसकी बात नहीं सुन रहे होते, अल्लाह ताला को उसके मुँह की जो है ना वो बू पसंद नहीं आ रही होती, उसके मुँह से बू आना शुरू हो जाती है। तो जब हम इन बातों को सिखाएंगे बच्चों को, उनकी तरबियत का हिस्सा बनेगी, तो यकीनन वो इस चीज़ की अहमियत को जानेंगे,
फिर दूसरी बहुत अहम चीज़ नमाज़ की पाबंदी, जो हम 7 साल की उम्र से बच्चों को डाल देते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि भाई नमाज जो है ना बस वो लाजमी इबादत है, ज़ाहिर है फ़र्ज़ इबादत है, उसे हम नहीं छोड़ सकते, और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी तो ये है कि वालदैन ख़ुद पाबंदी करें। अगर वालिद जो है वो मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ते हैं और बेटे उनके घर में हैं तो बेटों को अपने साथ लेके जाएं। माएँ जो है ज़ाहिर घर में नमाज़ पढ़ रही होती हैं तो वो बच्चियों को अपने साथ खड़ा करें और नमाज़ पढ़ाएं। अगर आप उसको नमाज़ की आदत डाल देते हैं इस उम्र में, तो यकीनन सारी ज़िंदगी वो बच्चों को आदत उसी तरह से रहती है जो छोटी उम्र में एक दफ़ा वालदैन डाल देते हैं, फिर वो कभी भी नमाज़ नहीं छोड़ते। उसकी अहमियत से भी वाकिफ़ होते हैं, उसकी बरकतों से भी वाकिफ़ होते हैं। और फिर आप उन्हें ये बता दें कि सबसे पहली चीज़ जो आपसे क़यामत में पूछी जाएगी हुकूक अल्लाह की तरफ से, वो नमाज है, तो आप कभी भी नमाज नहीं छोड़ें। इसको छोड़ने से आप बहुत सारी और बुराइयों में पड़ जाएंगे और उनसे निकलना फिर बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह एक और जो चीज़ है जो आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखानी है, वो है खिदमत करना। इसका मकसद क्या है? आप जब बच्चे से कहते हैं कि कोई काम मेरे साथ मिलके करो, या फलां काम अपने वालिद का या वालदा का कर दो, या घर में बुज़ुर्ग मौजूद हैं उनके काम कर दो, जैसे दादा दादी मौजूद हैं उनके चप्पल जूते साफ़ कर दो, जाओ उन्हें खाना जाके दे आओ, उनके बर्तन उठा लो, उनसे पूछ लो उन्हें कोई काम तो नहीं है, या उनको कहीं जाना है तो उनका हाथ पकड़ के ले जाओ। तो ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो उनके अंदर खिदमत का जज्बा भी पैदा करती हैं, उसके साथ साथ उनके अंदर आजजी आती है, उनके अंदर गुरूर नहीं आता। वो अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, आजजी और फरमाबरदारी, वो पैदा कर लेते हैं। तो ये आदत अगर आप डालते हैं तो यकीनन आप उसकी शख्सियत में एक अच्छाई का इजाफा करते हैं। फिर अपने बच्चों को कभी कभी ये भी कहें कि वो जैसे कोई गरीब आता है, कोई मिस्कीन दरवाज़े पे आता है, तो बच्चे के हाथ से उसको खाना दिलवाएं, या बच्चे के हाथ से पैसे दिलवाएं, या कोई ज़रूरत की चीज़ जो आप समझते हैं जो आप सदका आपने देना है वो बच्चे के हाथ से दिलवाएं। तो बहुत छोटी उम्र में वो इस बात का एहसास कर लेगा कि सदक़े की क्या अहमियत है, खिदमत की क्या अहमियत है, नमाज़ के लिए मुझे क्यों पाबंदी कराई जाती है, या क्यों मुझ पर इतना ज़ोर डाला जाता है कि मुझे नमाज की पाबंदी करनी है। और इसी तरह दीगर चीज़ें जो आप सिखा रहे हैं उसको बहुत ज़ोर देकर और बहुत समझा कर और बार बार बोल कर उसको उसकी आदत डालें। क्योंकि जब तक आप कोई बात कोई चीज़ बच्चे को बार बार नहीं बता रहे होते, बार बार समझा नहीं रहे होते, उसको आदत नहीं पड़ती। और यकीनन ये वो उम्र होती है जब एक दफ़ा उसको आदत पड़ जाती है तो फिर वो हमेशा रहती है। और फिर बच्चे की कोशिश होती है कि नहीं, मेरे वालदैन ने मुझे ये बात सिखाई है, मुझे अपने वालदैन का भी ख्याल करना है और मुझे अपने रब को भी राज़ी करना है, तो वो फिर हर तरह से जो है इस बात का ख्याल करता है और अपने कामों को पूरा कर रहा होता है। तो वो इब्तदाई चीज़ें जिस पर हमने आपसे शेयर की कि हमें बच्चे के पहले दिन से लेकर और 7, 8, 9, 10 साल की उम्र तक करनी है, ये तमाम चीज़ें तो वो हैं जो वो घर में हासिल कर रहा है और उसकी तरबियत हो रही है। ज़ाहिर है 7 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते फिर बच्चा स्कूल चला जाता है, फिर स्कूल में जाकर भी उसने दुनियावी तालीम हासिल करनी है, घर में वो कुरान भी पढ़ रहा है, तो गोया वो दोनों तरफ से फिर उस्ताद भी उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं जो उससे कुछ सिखा रहे होते हैं। उस्ताद का जब आप करें इंतखाब तो भी बहुत अच्छे तरीके से करें कि बच्चे को स्कूल और उस्ताद ऐसे मिलें जो उसकी तरबियत के लिए बहुत ज़्यादा मुआविन साबित हों, क्योंकि अच्छे स्कूल का माहौल, अच्छे उस्ताद की तरबियत जो है वो आपकी किरदार साजी करती है, वो आपकी शख्सियत बनाती है, आपको ज़िंदगी में ऊंच नीच जो है उनको बरतने का सलीका सिखाती है, और आपको बताती है कि किस तरह से आपको दुनिया में चलना है, किस तरह से आपको आखिरत के लिए तैयारी करनी है। क्योंकि आप सिर्फ़ बच्चे को दुनियावी तालीम देकर भी कामयाब इंसान नहीं बना सकते, और सिर्फ दीन की तालीम देकर और उस पर ज़ोर देकर कि बस नमाज़ पढ़ते रहो और रोज़ा रखते रहो, आप एक उसको बैलेंस इंसान नहीं बना सकते। ज़रूरी है कि आप उसको दुनिया की तालीम भी दें, क्योंकि उसने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, उसने रोज़ी कमानी है, उसको कुछ पता होना चाहिए कि दुनिया में कौन से काम कैसे किए जाते हैं, लोगों से कैसे मिला जाता है, छोटे और बड़े का अदब किस तरह से किया जाता है, ये तमाम वो चीज़ें जो उसका उस्ताद उसको सिखाएगा। और घर की तरबियत जो आप कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखें, क्योंकि बच्चे जब तक आपके पास होते हैं चाहे वो कितने ही बड़े हो जाएं, उन्हें हर लम्हे रहनुमाई की ज़रूरत होती है, उन्हें हिदायत की ज़रूरत होती है, और जब वो आकर छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करें तो कभी भी नाराज़ ना हो। आप हमेशा उनकी हर बात को तवज्जो से सुनें, उनकी हर बात का जवाब दें। बच्चों को बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा सवाल करने की आदत होती है, कभी उनको ना टोकें कि तुम सवाल नहीं करो। आपको जो जो जवाब आता है बहुत अच्छे से उसका जवाब दें, और अगर आपको कोई जवाब नहीं आता किसी सवाल का तो आप उसको कहें कि अच्छा ये मैं तुम्हें फिर बाद में बताऊँगा, लेकिन उसे डांटे नहीं। क्योंकि वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, या वो बच्चे जो बहुत जानना चाह रहे होते हैं, जो उन्हें जस्तजू होती है, अगर आप बार बार डांटेंगे या उसको मना करेंगे तो उसकी जस्तजू ख़त्म हो जाएगी, वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो ये महसूस करेगा ये शायद कोई बहुत बुरी बात थी, मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी। जैसे ही वो अपने आप को रोकेगा
तो वो इल्म और वो एक जस्तुजू जो आगे बढ़ने वाली थी वो उसकी रुक जाएगी। तो ये वो तमाम काम है जो माएँ ज़्यादातर डील कर रही होती हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से, और माओं ही के वो तमाम मामलात होते हैं, चाहे वो नबियों की तरबियत हो रही हो, वो वलियों की तरबियत हो रही हो, वो एक आम इंसान की तरबियत हो रही हो, ये तमाम लोग जो हैं माँ की गोद से ही सीख कर आगे बढ़ रहे होते हैं। इसलिए माओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके अंदर सब्र का मादा बहुत ज़्यादा हो और वो चीज़ों को समझती हों, वो बच्चे की नफ्सियात भी समझती हों, वो ख़ुद भी इल्म में अच्छी हों, वो तरबियत याफ्ता हों, उनको दीन की समझ हो, उन्हें पता हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क्या अहकामात हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों की तरबियत कैसे फ़रमाई, उन्होंने हसनैन करीमैन की तरबियत कैसे फ़रमाई, किस मोहब्बत से उनको लेके चले। तो अगर आप ये सीरत रसूल को पढ़ते रहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक के मुख्तलिफ़ वाक़ियात को पढ़ते रहते हैं, तो हर हर लम्हे आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। और इस प्रोग्राम को करने का मकसद भी ये है कि आप सीरत रसूल की तरफ आएँ, आप पढ़ें, बार बार पढ़ें, क्योंकि हर दफ़ा ज़िंदगी के हर शोबे में आपको कुछ ना कुछ हासिल होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारी जाती है, कैसे एक कामयाब इंसान को बनाया जाता है, कैसे उसकी तरबियत की जाती है। तो हम माओं की बात कर रहे थे, तो माएँ ही होती हैं जो बच्चों की बहुत अच्छे से तरबियत करती हैं। Assalamualaikum, this is nutritionist Tufaira और आप देख रहे हैं मेरा सेगमेंट सेहत और रमज़ान। सेहत और रमज़ान एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आपको पता चलती है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मालूमात आपकी सेहत से रिलेटेड, कि आप इन रमज़ान में अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं। ना कि सिर्फ रमज़ान में बल्कि रमज़ान के बाद भी आप जो मैं टिप्स बताती हूँ उनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और इस पूरे सेगमेंट में जो मेरी हेल्प करता है आपको बेस्ट गाइडलाइन देने के लिए, वो है लिप्टन की ग्रीन टी। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, लिप्टन की ग्रीन टी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको रखेगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेहतमंद। इसके एक नहीं बहुत सारे फ़वाद हैं और वो मैं आपको बताऊँगी। और आपको सेहतमंद रहने के लिए भी यही लिप्टन की ग्रीन टी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगी। जैसे कि रमज़ान शुरू हो गए हैं और दस्तरखान पे हमारे माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत ग़िज़ा की सजावट होती है, लेकिन उस खूबसूरत ग़िज़ा की सजावट में हम बहुत मीठे मीठे बेवरेजेस या तो फिर फ्रिजी ड्रिंक सजा डालते हैं। इफ्तार के बाद 14 घंटे के रोज़े के बाद जब हम रोज़ा खोलते हैं तो ये एक ग्लास इतना हैवी शुगर का हम मीठे बेवरेज का ले लेते हैं, जो कि हमारे लिए कितना नुकसानदेह है क्या कभी आपने सोचा। अगर उसी को रिप्लेस कर दें आप ग्रीन टी से, तो क्या वो कितनी फ़ायदेमंद है ये क्या आपने सोचा। मैं आपको बताती हूँ, अगर तो आपने रोज़ा खोलने के साथ ही एक मीठे शरबत का ग्लास पेट भर के पी लिया, और गर्मी इतनी शदीद है कि इतनी शदीद गर्मी के बाद सिर्फ आप एक ग्लास नहीं पीते, दो ग्लास तो आराम से पी जाते हैं, और फिर आपका पेट इजाज़त ही नहीं देता कि आप कुछ और सही से खाएं भी। तो मेरी तरफ से टिप ये है कि जब आप रोज़ा खोलते हैं तो एक ग्लास सिर्फ पानी पिएं, दो खजूर खाएं और नमाज को चले जाएं। और नमाज के आने के बाद आपने जो खाना है वो है एक फ्रूट बोल, जो कि जिसको कि आप लोग फ्रूट चाट कहते हैं, और चाहे तो उसके साथ आप चना चाट दही के साथ भी ऐड कर सकते हैं। फ्रूट्स, चना और दही, इन तीनों चीज़ों से आपको पूरे दिन के रोज़े के बाद जो चीज़ें मिल रही हैं वो हैं डिफरेंट किस्म के विटामिंस। दही से आपको मिल गई विटामिन डी और विटामिन सी, और चने से आपको मिल गया प्रोटीन। तो ये तमाम चीज़ें जो कि आपने पूरे दिन नहीं ली, आपकी बॉडी को एक अच्छी एनर्जी देंगी और आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगी। और उसके बाद जब आप पूरा दिन के रोज़े के बाद आपने रोज़ा खोला, आपका मेटाबॉलिक रेट हो गया हाई, और जैसे ही मेटाबॉलिक रेट हाई हुआ आप पड़ गए डाउन। अब आपको ज़रूरत है कोई एक ऐसे ड्रिंक की, ऐसे बेवरेज की जिसमें हो कैफीन शामिल, जो कि आपको रखे एक्टिव। और यकीनन आपके दिमाग में आ रहा होगा दूध वाली चाय। दूध वाली चाय भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसमें शामिल दूध और चीनी आपकी कैलोरीज बढ़ा देते हैं। और ऑलरेडी आपने कहीं छुप छुपा के समोसे पकौड़े तो ज़रूर खाए होंगे इफ्तार में, लेकिन अगर आप उसको रिप्लेस कर दें ग्रीन टी से, तो ग्रीन टी है ज़ीरो कैलोरी बेवरेज। जी हाँ, ग्रीन टी अगर आप ले रहे हैं तो दिस इज़ ज़ीरो कैलोरी बेवरेज, क्योंकि ना तो इसमें चीनी मौजूद है और ना ही इसमें दूध। बल्कि जो लेमन टी है उसमें आप थोड़ा सा लीमू भी शामिल कर सकते हैं अपने ही फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए।
जो कि आपको हेल्प करेगा फैट बर्निंग में। ग्रीन टी इटसेल्फ भी विदाउट लेमन ड्रॉप्स भी बहुत ज़बरदस्त कस्म का फैट बर्निंग का काम करता है। इसमें मौजूदा कैथेकिन्स आपके फैट बर्निंग में हेल्प करते हैं और साथ साथ आपकी बॉडी में फैट स्टोर होने से भी रोकते हैं, मतलब ये आपको मोटा होने से रोकते हैं। बिल्कुल, ये आपको वेट लॉस में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं। वेट लॉस एक रमज़ान की मुहिम भी होती है बहुत सारे लोगों की, कि रमज़ान आएंगे तो हम रोज़े रखेंगे तो हम रोज़े रख के बहुत सारा वेट लूज़ कर देंगे। हालांकि रमज़ान वजह नहीं है आपके वेट लॉस होने की, वजह होती है आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल। अगर आपने अच्छे तरीके से वेट लूज़ करना है, एक हेल्दी तरीके से वेट लूज़ करना है कि आपकी बॉडी को किसी किस्म का नुकसान ना हो, तो आपने फॉलो करना होगा एक हेल्दी लाइफ स्टाइल। जब आप फॉलो करेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल और उस हेल्दी लाइफस्टाइल में आपका फूड चॉइस जो है वो बहुत अच्छी होगी, जिसमें कि ज़रूरी है कि आपकी ग्रीन टी भी शामिल हो, तो आपकी बॉडी में किसी भी किस्म की न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स या मिनरल्स की कमी नहीं रहेगी और आप किसी भी किस्म की बीमारी की तरफ नहीं जाएंगे। बल्कि ग्रीन टी लेने से आप मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से हिफाजत में रहेंगे, जैसे कि दिल की बीमारी। ग्रीन टी में मौजूद रेवोनाइट आपको दिल की बीमारियों से दूर रखेगा, क्योंकि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से और ब्लड प्रेशर को बढ़ने से महफूज रखता है। और जब आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, तो आप दिल की बीमारी से महफूज रहेंगे। साथ साथ ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बॉडी के डैमेज सेल्स को भी रिपेयर करते हैं, जिसकी वजह से आप कैंसर जैसी मौलिक बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। जहाँ कैंसर जैसी मौलिक बीमारियों से महफूज हैं, वहाँ पे आपके स्किन के डैमेज सेल्स भी रिपेयर होते रहेंगे और आपकी स्किन हो जाएगी ग्लोई और ब्यूटीफुल। तो एक ग्रीन टी जिसमें इतने सारे फवायद हैं, कैसे आप वो छोड़ सकते हैं और कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपके घर में मौजूद ना हो? अगर तो आपके पास मौजूद नहीं है या ख़त्म हो चुकी है, तो जल्दी से जाइए अपने करीबी स्टोर में और लिप्टन की ग्रीन टी के दोनों फ्लेवर्स को लेकर आइए, क्योंकि ये आपके घर में हर एक को पसंद आएंगे और अपने इफ्तार में और सहर में हर किस्म के बेवरेज से रिप्लेस कर दीजिए ग्रीन टी। उम्मीद है आपको ये टिप्स बहुत अच्छी लगी होंगी, ऐसा प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगेगा आपको, जो कि आपको इतने सारे फ़वाद देने के साथ बहुत सारी परेशानियों से अपनी हिफाजत में रखे। मुझे इजाज़त दीजिए, दिस इज़ न्यूट्रिशनिस्ट ओफेरा, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आपके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। एक नए मौजू के साथ मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर डॉक्टर बिल्कीस, और हमारा सेगमेंट है रमज़ान सेहत के साथ। रमज़ान सेहत के साथ में आज हम बात कर रहे हैं किस पर? आज हम बात करें याददाश्त पर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यानी कि जैसे जैसे एज होती है तो क्या होता है कि हम फ्रिज खोल के खड़े होते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमने फ्रिज क्यों खोला है। हमें याद होता है कि हमने फ़ोन करना है, हम फ़ोन उठाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमें फ़ोन किसको करना है, तो बजाय फ़ोन करने के हम YouTube देखने लग जाते हैं। अक्सर ऐसा करते हैं ना, मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, लेकिन एक बिजारी अब कैफियत में आ जाती है, झुंझुराहट आ जाती है। क्यों नहीं आएगी भाई, जब याददाश्त इतनी कमज़ोर होने लगे, अपनी बातें भूलना, चीज़ें भूलना, जहाँ रखे बहुत एहतियात से हम चीज़ें रख देते हैं मगर हम भूल जाते कि रखा कहाँ है। फिर उसको ढूंढने में आधा जो है ना चीज़ें इधर से उथल पथल करते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी भी हम जो है ना ख़राब करने लगते हैं, इससे और सेहत ख़राब होने लगती है और हम चीज़ें भूलने लगते हैं। वैसे तो दिमागी कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिस पर वक्त के साथ काबू पाना नामुमकिन होता है, लेकिन अगर ये शुरू हो जाए और तब से आप अपने दिमाग को जो खुराक देने लगें, तो नेचुरोपैथी इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। नेचुरोपैथी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी याददाश्त को बेहतर बनाती है और याददाश्त को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकती है। सबसे पहले चारों मगज़, नाम ही उन बीजों का ऐसा रखा है कि चारों मगज़ियात जो है इसका, अगर आपको भूलने की आदत है तो आप चारों मगज़ियात का तेल भी सर की जड़ों में लगाएं। ये जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ, ये ना सिर्फ बड़े लोग बल्कि
बच्चों में भी होता है ना, लेसन याद ही नहीं होता, माएँ परेशान होती है, स्कूल के फीस भर भर के जो है ना थक जाते हैं, लेकिन बच्चा पढ़ने का नाम ही नहीं लेता। तो ऐसे में कुछ टिप्स मैं आपको बता रही हूँ जो आपकी मदद करेगी। बहुत सारे लोगों को पता है कि 7 बादाम भिगोकर सुबह खा लेना है। 7 बादाम भिगोने किस में है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमेशा मिट्टी के बर्तन में आप 7 बादाम भिगोया करें, सुबह वो पानी जो है फेंके नहीं, उसमें भी विटामिंस आ जाते, वो पानी पी लीजिए। और फिर वो भिगे हुए बादाम अगर चाहें तो उसके ऊपर का छिलका उतार कर वो दे दें। अक्सर जो लोग हिफ्स करते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि बादाम के साथ तुलसी के पत्ते 3 से 4 अदद ज़रूर इस्तेमाल करें। आप यकीन करें ये जो है याददाश्त के लिए भी अच्छा है और भूलने की बीमारी के लिए तो अच्छा है, मगर उसके साथ जो है ना आपके आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये कीजिएगा, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरी चीज़ जो है आपने लेना है चारों मगज़ आपने लेना है। आपने सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ आपने हम वज़न लेना है। आपने इसमें काहू के बीज लेने हैं, आपने इसमें मिश्री लेना है, आपने इसमें बादाम लेना है और आपने इसमें कोकोनट यानी खोपरा पीसा हुआ लेना है। इन 5 चीज़ों को पीस कर पाउडर बना कर रख ले, बहुत मज़े का ये पाउडर बनता है। चाहें तो इसमें छठी चीज़ सौंफ भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सौंफ को हम नेचुरोपैथी में कहते हैं आदित्य। सौंफ कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें आपके काम नहीं आती, तो आप इसमें सौंफ भी मिला सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने हम वज़न पीस कर पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाकर जो है इसको आप किसी अच्छा एयरटाइट जार में बंद करके रखें और इसमें से 1 चम्मच सुबह शाम दूध में डाल के पीजिए। ये असाबी कमज़ोरी और याददाश्त जो हमें भूलने की बीमारी हो जाती है उसमें बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी। आप इसको कीजिएगा और जो बच्चे जिनको लेसन याद नहीं होता उनको भी कराइएगा, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। सेगमेंट तो यही होगा रमज़ान सेहत के साथ, लेकिन मौजू नया होगा। अल्लाह हाफिज़। एहसान है रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ वर्दा एंड वेलकम टू रमज़ान दस्तरखान, जहाँ हम आपको सिखाते हैं डेली एक नई रेसिपी बनाना जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है और हमें पता है आपको पसंद आ रही है क्योंकि आपका इतना अच्छा फीडबैक जो हमें मिल रहा है। सबसे पहली बात आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप हमारे सेगमेंट को इतना पसंद कर रहे हैं और इतने फीडबैक दे रहे हैं, और ज़रूर हम आगे चल के आपकी फरमाइश पर भी जो है वो डिफरेंट रेसिपीज़ बनाना सिखाएंगे। लेकिन आपसे सबसे पहले हम ये वादा लेना चाहते हैं कि आप कर रहे हैं अपनी फैमिली का अपने घर वालों का ख्याल कोरोना वायरस की तीसरी लहर से, आप धो रहे हैं हाथ, बिल्कुल जी बहुत अच्छी बात है। आप भी हमारे साथ मिलके जो है वो शामिल हो जाइए इस एक जो हमने एक दायरा बनाया है, छोटा सा हिफाजत का दायरा बनाया है अपने इर्द गिर्द, जो हम चाहते हैं आप भी बने अपनी फैमिली के इर्द गिर्द, अपने ख़ानदान वालों के, अपने घर वालों के इर्द गिर्द, वो है कोरोना वायरस से हिफाजत का दायरा। वो कैसे हम बना सकते हैं? हम वो दायरा बना सकते हैं डेटॉल के एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश या फिर सोप से बार बार हाथ धो के। तो मैं किचन में आई हूँ, किचन में आने से पहले भी मैं हाथ धोंगी, चाहे आप किचन में आएँ या फिर बाहर से कहीं आएँ, जब भी खाना खाने बैठे या कोई भी काम कर रहे हो, हर थोड़ी देर बाद आप जो है वो बार बार अपने हाथ धोएं, ताकि हम अपनी फैमिली को रख सकें कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी से महफूज। तो आइए हाथ धो लेते हैं सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये हमारे डॉल के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो यहाँ पे मेरी मदद करते हैं हाथ धोने में, थैंक यू सो मच। लेकिन हाथ धोने से पहले जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिटॉल के एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट के बारे में जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है हमारी सहूलत के लिए। वो सहूलत क्या है जनाब? वो है डिटॉल का ऑल इन वन डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। तमाम सरफेस को, फर्नीचर्स को ये डिसइंफेक्टेंट कर देता है। अब आपको बार बार स्प्रे गन में डिटॉल का पानी बना के रखने की ज़रूरत नहीं है। आप में सिर्फ क्या करना है, आपने इस बॉटल को करना है शेक और जो भी सरफेस आपने जो है डिसइंफेक्टेंट करनी है आपने उस पर ऐसे स्प्रे कर देना है और इसको छोड़ देना है। एक तो इसकी भीनी भीनी सी खुशबू आपको कभी इरिटेट नहीं होने देगी, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, और आपको इसको वाइप ऑफ करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये खुद ही ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाएगा और आपकी सरफेस को डिसइंफेक्टेंट कर देगा। लेकिन दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है आपने। आपने इसको चूल्हे के पास इस्तेमाल नहीं करना, ख़ासतौर पर जिस वक्त आपका चूल्हा जला हुआ हो, या फिर आपने इसको गर्मी वाली जगह पर नहीं रखना, हीट से आपने इसको दूर रखना है, क्योंकि ये फ्लेमेबल है और ये फौरन आग पकड़ सकता है।
इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। दूसरी बात ये कि जब भी आप अगर इसको किचन में यूज़ कर रहे हैं काउंटर टॉप पे, तो इस्तेमाल करने के कम से कम भी 30-45 मिनट्स तक आपने चूल्हा नहीं जलाना। सेफ सेट के लिए कोशिश करें आप इसको आधे से एक घंटा जो है वो छोड़ दें, उसके बाद आप चूल्हा जलाइए। तो ये छोटी छोटी सी जो है वो आपकी जो प्रिकॉशंस हैं जो आप लें और अपनी हिफाजत करें, अपनी फैमिली की भी हिफाजत करें। दूसरी बात ये कोशिश करें इसको गाड़ी में भी ना रखें, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है और ये बहुत ज़्यादा हीटअप गाड़ी हो सकती है कभी कभी। जनाब ये हो गया आज का जो है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो डिटॉल का ऑल इन वन डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। और अब आइए अब चलते हैं हाथ धोने की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो यूज़ करूँगी डिटॉल का एंटीबैक्टीरियल सोप। हम हाथ जो है वो वेट कर लेते हैं। हाथ धोने का तरीका तो अब मैं नहीं सिखाऊंगी आपको, बल्कि आप लोग मेरे साथ साथ फॉलो करेंगे। पानी का ज़्यादा जनाब बिल्कुल मत करिए। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ सिर्फ एक ड्रॉप ही काफ़ी है डिटॉल एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश का। एक तो इतनी बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, दूसरी बात ये बार बार हाथ धोने से जो है डिटॉल का अगर आप जो है वो एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश यूज़ कर रहे हैं, आपके हाथ जो है वो ड्राई नहीं होंगे, बल्कि आपके हाथों में एक सॉफ्टनेस रहेगी, आपकी स्किन में जो है वो एक नमी सी रहेगी और साथ में एक भीनी भीनी सी खुशबू बहुत अच्छी सी भी आती रहेगी। डिटॉल का एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश और सोप देता है हमें कोरोना जैसे ख़तरनाक जरासीम से हिफाजत, और ना सिर्फ कोरोना वायरस जैसे जरासीम से हमें हिफाजत देता है बल्कि 100 मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैलाने वाले ऐसे जरासीम जो बहुत ही जो है वो हमारी सेहत के लिए मुज़र होते हैं, उनसे भी ये हमें हिफाजत जो है वो देता है। जनाब मेरे हाथ भी धुल गए हैं, धो लेते हैं अब। ये देखिए जनाब हमारे हाथ भी धुल गए। चलिए जनाब ये हो गया और अब हम इसको हाथों को साफ करेंगे। किससे जी? बिल्कुल टॉवल से नहीं, हम यूज़ करेंगे रोज़ पेटल के अल्ट्रा सॉफ्ट टिश्यू पेपर से, क्योंकि हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि हमारे हाथ हो गए हैं जरासीम से पाक और अब हम कोई ऐसे जो है वो चीज़ यूज़ नहीं करें जिससे थोड़ा सा भी हमें खदशा हो कि उसमें जरासीम हो सकते हैं। और यूज़ करने के बाद आपने क्या करना है, आपने टिश्यू पेपर को डिस्कार्ड कर देना है। वेरी गुड, अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। तो जनाब आज हम क्या बना रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बना चुके हैं, आज हम बना रहे हैं कबाब्स। कबाब कॉमन है? नहीं, आज हम बना रहे हैं डिफरेंट कबाब विथ ट्विस्ट। तो आज हम बना रहे हैं बेक पिज़्ज़ा कबाब। साउंड्स यमी, जहाँ पिज़्ज़ा का नाम आ जाए वो चीज़ तो ऑटोमेटिकली यमी हो जाती है और बच्चे बड़े सब बैठ जाते हैं कि यार ये चीज़ तो कुछ मज़ेदार ही होगी। तो जो आज के हमारे कबाब हैं वो भी बहुत ही मज़े के होंगे। हम बना रहे हैं बेक पिज़्ज़ा कबाब, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर एक चॉपर। चॉपर हम खोल लेते हैं। मेरे पास है यहाँ पे चिकन का कीमा आधा किलो, वो मैं इसमें डाल दूँगी। आधा किलो चिकन का कीमा, आप चाहें तो आप इसमें बीफ या मटन का कीमा भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ जो आपको पसंद हो। उसके बाद तमाम इंग्रेडिएंट्स हम चॉपर में ही डालेंगे। मेरे पास है यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ड्राइड ऑरिगानो 1 टीस्पून, ज़ीरा जाएगा इसमें अगेन 1 टीस्पून, ये आधा किलो का रेशो बता रही हूँ मैं आपको। नमक जाएगा इसमें हसबे जायका, आमचूर पाउडर थोड़ा सा इसमें या खटाई पाउडर आप इसमें डालिए 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी फ्रेश हरा धनिया थोड़ा सा, मेरे पास है यहाँ पे स्लाइस्ड अनियन, ये डालेंगे हम यहाँ पे, और थोड़ी सी मैं हरी मिर्च, मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी हरी मिर्चें हैं तो मैं एक ले रही हूँ, एक हरी मिर्च मैं चॉप करके इसमें रफली वो भी ऐड कर दूँगी, इससे एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। चने चने ये भी डाल दिया इसमें हमने, और हम कर लेते हैं इसको अच्छे तरीके से चॉप। चले ये हो गया। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक अदद अंडा, हम क्रैक करके इसमें डाल देंगे। डाल दिया हमने और इसको भी हम दोबारा से चॉप कर लेते हैं। जब तक मैं अच्छे से जो है वो कीमे को कर रही हूँ चॉप, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप जाके लीजिए एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
एहसान है रमजान। आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं रमज़ान दस्तरखान और हम बना रहे हैं बहुत ही यमी और डिलिशियस से बेक पिज़्ज़ा कबाब्स। ब्रेक पे जाने से पहले हमने जो है वो कीमे को चॉपराइज कर लिया था। मैंने यहाँ पे चिकन का कीमा यूज़ किया है, आप चाहें तो आप बीफ या मटन दोनों का कीमा यूज़ कर सकते हैं। चॉपराइज करने के बाद मैंने एक ओवन प्रूफ डिश ले ली है और उसमें इसको इस तरह से फैला दिया है और इसको हम इक्वली राउंड एंड राउंड जो है वो स्प्रेड कर देंगे और फिर इसके बाद हम इसको कट करके निकालेंगे। आप कहेंगे कबाब तो है नहीं भाई जनाब, ये नॉर्मल कबाब नहीं है, ये बेक पिज़्ज़ा कबाब है। थोड़े से बनाने में भी डिफरेंट होंगे ना। ये देखिए इस तरह से आप इसको विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला इवनली स्प्रेड कर दें डिश में ऐसे। ये देखिए इस तरह से इवनली स्प्रेड होकर जहाँ से आपको लग रहा है थिकनेस ज़्यादा है वहाँ थिकनेस कम कर लीजिए स्पैचुला की हेल्प से, और जहाँ पर थिकनेस कम है वहाँ ज़्यादा कर दीजिए। इस तरह से ये इवनली स्प्रेड हो गए। अच्छा, अवन जो है वो मैंने ऑलरेडी प्री हीट पे लगा दिया है 200 डिग्रीज पे और उसको हम जो है वो बेक करेंगे 20 टू 25 मिनट्स के लिए। जनाब ये देखिए ऑलमोस्ट ये पूरी हमने जो है वो अच्छी सी लेयरिंग कर दी है। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी मोज़रेला चीज़ और मैं इसमें डालूंगी नेस्ले मिल्क पैक की क्रीम। इसको हम कट कर लेते हैं। थोड़ी सी क्रीम हम इसमें डालेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे खूब सारी चीज़ जैसे कि हम पिज़्ज़ा पे डालते हैं ऊपर। ये देखिए इस तरह से हम इस पर मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, डिफरेंट बनते हैं। अगर ईद पे या फिर कोई स्पेशल दावत हो या बच्चों की दावत हो वो आएँ या आप कोई बर्थडे पार्टीज़ वगैरह करें तो उसमें आप ये बनाएं तो आई एम श्योर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और बड़ों को भी बहुत पसंद आएंगे। एक डिफरेंट किस्म के कबाब बन जाएंगे ये एंड एवरीवन इज़ गोना लव इट, योर फैमिली, सो यू मस्ट ट्राई दिस। रिमेनिंग चीज़ भी जो है हम इस पर डाल देते हैं और अब हम इसको ओवन में रखेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। चलिए जनाब इसको हमने रख दिया और अब चलते हैं हमारी सेकंड रेसिपी की तरफ जो कि हम बना रहे हैं रशियन कटलेट्स। ये भी बहुत मज़े के होते हैं। रशियन कटलेट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट इसमें स्पेगेटीज और पोटैटोज और चिकन सब मिक्स होता है तो बहुत ही यमी से बनते हैं ये। सबसे पहले मिक्सिंग से पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपना पैन जो है वो गर्म पे लगा देते हैं क्योंकि हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी ऑफकोर्स वन एंड ओनली डालडा कलौंजी कनोला ऑयल क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारे तमाम खाने बने इम्यूनिटी से भरपूर, तो उसके लिए डालडा कलौंजी कनोला ऑयल से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ये देखिए ये है पाकिस्तान में पहली बार कुकिंग ऑयल में कलौंजी ऑयल मिक्स करा है डालडा ने। ये एक आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है कि आप कलौंजी ऑयल को कुकिंग ऑयल के साथ मिक्स करें, लेकिन अपनी महारत के ज़रिए ये काम करके दिखाया है सिर्फ डालडा ने हमारे लिए ताकि हमें मिल सके इम्यूनिटी से भरपूर खाने और कलौंजी की इफादियत से हम सब अपने तमाम खानों में जो है वो फ़ायदा उठा सकें इस चीज़ का। तो मैं यहाँ पर डालडा कलौंजी कनोला ऑयल जो है वो डालूँगी फ्राइंग के लिए। शैलो फ्राइंग होंगे जैसे नॉर्मल कबाब या कटलेट्स फ्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होगा इसमें। अपने पैन के हिसाब से आप जो है शैलो फ्राइंग के लिए इसमें ऑयल ऐड कर दीजिए और इसको हम गरम पे लगा देंगे। अब हम चलते हैं मिक्सिंग की तरफ। तो एक आप मिक्सिंग बोल ले लीजिए, उसमें मेरे पास है यहाँ पे हाफ अ कप चिकन, बॉयल चिकन है, उसको मैंने बहुत जो है वो बारीक कट कर लिया है, श्रेड नहीं किया, चॉप करा है। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे एक बड़े साइज़ का लार्ज आलू जो है वो मैंने बॉयल करके उसको जो है वो मैश कर लिया था। अगर छोटे हैं तो आप दो ले सकते हैं। ये ले लेंगे हम यहाँ पे, मैं फोर्क की हेल्प से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से ताकि ये मिक्स हो जाए। अच्छा, उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे स्पेगेटी या बॉयल नूडल्स, आप वो ले सकते हैं बहुत थोड़े से। ये ले लेंगे हम यहाँ पे, इसको मिक्स कर लेंगे।
और फिर इसके बाद इसमें जाएंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। पहले हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, फिर हम ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे इसके अंदर हमारे। ये देखिए ये हो गया। अच्छा जी, अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, जस्ट एक फ़्लेवर के लिए, जस्ट 1/4 teaspoon, बहुत ही थोड़ा सा, जस्ट एक फ़्लेवर देंगे हम इसमें। अगर आपके पास फ्रेश जो है वो गार्लिक चॉप्ड है वो भी आप डाल सकते हैं, या फिर आपके पास अनियन पाउडर है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। रशियन कटलेट में तो बहुत मिर्ची नहीं होंगी इसमें, तो हम डालेंगे यहाँ पे 1 teaspoon ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, नमक हसबे जायका, और इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 tablespoon, और अब इसको करेंगे हम अच्छी तरीके से मिक्स। और मिक्स हम करेंगे हाथों की हेल्प से, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे अंडे जो है वो क्रैक कर लेती हूँ, क्योंकि हमें जो है वो इसकी कोटिंग करनी है। तो ये हो गया एक सेकंड, इसको हम विस्क कर लेते हैं यहाँ पे। मेरे पास कोटिंग के लिए यहाँ पे ब्रेड क्रम्स हैं, प्लेन फ्लावर है, और 2 अदद हमने अंडे ले लिए। ये देखिए ये हो गया। अच्छा जी, अब इसको सबसे पहले हम हाथों की मदद से मिक्स कर लेते हैं अच्छे, ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपस में अच्छे से वेल कम्बाइन हो जाएं। अच्छा, इसमें आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसमें स्वीट कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें बॉइल्ड मटर भी डाल सकते हैं, आप इसमें जो है वो शरीर गाजर भी हल्की सी बॉइल करके डाल सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। ये देखिए ऐसे, ये हो गई मिक्सिंग अच्छे से, और कबाब्स जो हैं वो रेडी हैं। अब इसके हम छोटे छोटे से कटलेट्स बना लेंगे और फिर उसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमने छोटी सी बॉल की शेप लेनी है यहाँ पे, ऐसे जैसे हम नॉर्मल कबाब बनाते हैं यूजली। ये देखिए इस तरह से आपने राउंड बॉल बनाई, बहुत हल्के हाथ से इसको प्रेस करा आपने, के कॉर्नर्स जो हैं वो आपने राउंड करें। सबसे पहले इसको हम कोट करेंगे प्लेन फ्लावर में, इसको हम डिप करेंगे हमारे एग के मिक्सचर में, और फिर इसको हम कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स में। ये देखिए ऐसे, और फिर डायरेक्टली हम इसको पैन में डाल देंगे। ये देखिए ऐसे, और ऑयल भी हमारा गरम हो चुका है। ये देखिए इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर देना है, क्योंकि चिकन इसमें ऑलरेडी बॉइल्ड है और नूडल्स भी इसमें बॉइल्ड हैं, पोटैटो भी जो है वो इसमें बॉइल्ड गया है, तो हमें ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, बाकी भी हम ऐसे ही जो है रिमेनिंग कबाब्स बना लेते हैं, कटलेट्स जो हैं वो हमारे रशियन हम बना लेते हैं। ये देखिए मैं आपको एक और कबाब बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए ये कर बनाया हमने, इसके बाद हमने इसको डिप किया ड्राई फ्लावर की कोटिंग में, और फिर इसके बाद हमने इसको अंडे में डिप किया, और उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, और डायरेक्टली फिर हम इसको डालेंगे पैन में। जनाब, इस तरह से मैं बाकी के तमाम जो है वो कटलेट्स बना लेती हूँ, और आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, अभी बेक पिज्ज़ा अवन में है और एक और रेसिपी भी बाकी है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब,
सलाम, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रमज़ान दस्तरखान, और जब हम ब्रेक पे गए थे तो मैं फ्राई कर रही थी रशियन कटलेट्स, और आप देख सकते हैं आपके सामने जो है वो बना लिए हैं हमने। कितना खूबसूरत सा कलर आया और कितने अच्छे मज़े के लग रहे हैं, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है जिसकी खुशबू पूरे स्टूडियो में जो है वो महक रही है, वो क्या है? हमारे बेक पिज्ज़ा कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, तो आइए उसको भी हम निकाल लेते हैं अवन से। चलें जी, ये देखिए जनाब, ये रेडी हो गया है, और ये देखिए क्या खूबसूरत कलर आया है। यम्मी, जबरदस्त लग रहा है, ये देखिए। वाओ, ये देखें जनाब कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अब आपने इसको क्या करना है, थोड़ा सा सेटल होने दीजिए, ठंडा हो जाए, उसके बाद जब आप इसको सर्व करेंगे आपने इसको पिज्ज़ा की तरह जो है वो कट करना है, एंड देन आपने इसको निकाल के जो है वो सर्व करना है। थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे हम इसकी ड्राइड ऑरिगानो से, या फिर आप चाहें तो आप कुटी हुई लाल मिर्च, अगर आपको मिर्चें पसंद हैं वो भी आप डाल सकते हैं। और ये ज़बरदस्त से लग रहे हैं जनाब, ये देखिए बेक पिज़्ज़ा कबाब जो है वो रेडी हो चुका है, और आप देख रहे हैं रमज़ान दस्तरखान। और ऐसा ना हो कि हम आपके लिए कोई गिफ्ट अनाउंस ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जनाब मेरे पास हैं आपके लिए फोटाइल की जानिब से और पर्ची जामे शीरी की जानिब से जो है वो गिफ्ट हैम्पर्स हैं। आप देख सकते हैं फोटाइल का गिफ्ट हैम्पर यहाँ मौजूद है, पर्ची जामे शीरी का भी जो है वो गिफ्ट हैम्पर यहाँ पर मौजूद है। आइए अब चलते हैं हमारी जो है वो थर्ड रेसिपी की तरफ। वो क्या है, वो भी बहुत ही मज़े की है। आज हम बना रहे हैं पर्ची जामे शीरी से फालूदा। इतनी गर्मी है, ड्रिंक्स तो बहुत पी ली, अब घर बैठे इफ्तार में आप इंजॉय कीजिए मज़े का फालूदा। फालूदा कैसे बनाना है मैं आपको सिंगल सर्विंग बना के दिखा रही हूँ, आप जितनी चाहे मल्टीपल जो है वो आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं फालूदा की, ये तमाम जो है वो घरों में अवेलेबल हैं, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको अलग से स्पेशली ख़रीदनी पड़े। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फालूदा के लिए हमें चाहिए यहाँ पर तुख़्मे बालंगा, हर घर में होता है रमज़ान में ख़ास तौर पर। 1 टेबल स्पून मैं एक ये तुख़्मे बालंगा लूँगी। ये हम सब जानते हैं कि ये हमारे स्टमक के लिए, हमारी हेल्थ के लिए कितना हेल्दी होता है, कितना जो है वो इसकी तासीर ठंडी होती है। थोड़ा सा हम इसमें दूध मिक्स करेंगे यहाँ पे, ताकि ये अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए ऐसे। और ये देखिए आप मिक्स हो गया है। अब मेरे पास है यहाँ पे जो फालूदा के लिए नूडल्स यूज़ होती हैं वो है मेरे पास, वो मैं थोड़ी सी डालूँगी इसके अंदर, थोड़ी सी आप डालें इसके अंदर वो नूडल्स, थोड़ी सी तोड़ के ताकि खाने में इजी रहे। और फिर उसके बाद हम दोबारा इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध, हम हाफ फिल करेंगे इसको, कम्प्लीटली फिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद इसमें जाएगी 1 बड़ा स्कूप भर के वनीला आइसक्रीम। अगर आप 2 स्कूप डालना चाहें तो आप इसमें जो है वो कोई और फ्लेवर भी जो है वो मिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़े से बादाम पिस्ते, वो हम डालेंगे इसमें। और उसके बाद आखिर में हम डालेंगे इसमें कर्शी जामे शीरी के 2 टेबल स्पून। तो यहाँ पे हम कर्शी जामे शीरी ले लेते हैं, ये देखिए इसको हम डालेंगे इसमें, ये यम्मी, 1 एंड 2। ये देखिए जनाब, ये डाला हमने इसमें कर्शी जामे शीरी, और दोबारा से थोड़ा सा इसमें ऊपर से दूध डालेंगे क्योंकि ग्लास थोड़ा सा मुझे एम्प्टी लग रहा है। ये रिमेनिंग थोड़ा सा दूध भी मैं इसमें डाल दूँगी, और आखिर में थोड़ा सा आइसक्रीम जो रिमेनिंग है वो भी इसमें डाल देंगे। इसको गार्निश करेंगे फुल बादाम पिस्ते से, और ज़रा सा स्प्रिंकल करेंगे दोबारा से इसमें हम कर्शी जामे शीरी, जो कि बना है खालिस अरकियात से, और 10 में से 6 से 7 घरों में जो है वो ये यूज़ किया जाता है और पसंद भी किया जाता है। और ये देखिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा फालूदा इस गर्मी में जो है वो रेडी हो चुका है। आप बनाएं अब ठंडा ठंडा फालूदा जो है वो इस गर्मी में इफ्तार में इंजॉय करें, आई एम श्योर आपकी फैमिली को और आपको बहुत पसंद आएगा। और अब चलते हैं, ये देखिए हमारा जो बेग पिज़्ज़ा कबाब है वो भी सेटल हो गए हैं। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि इसकी सर्विंग आपने कैसे करनी है।
अगर जब आप किसी गेस्ट के सामने ये बनाते हैं, आजकल दावतें जो हैं वो इफ्तार पार्टी शुरू हो गई हैं घरों में हो रही हैं, तो आपको कुछ अलग रेसिपी बनानी है तो ये रेसिपी भी आप जो है वो खाने के साथ सर्व कर सकते हैं। हल्की फुल्की सी है, डिफरेंट है, कि इफ्तार के बाद ऑलरेडी हम सब इतना जो है वो ओवरलोडेड हो जाते हैं कि खाना नहीं खाया जाता, तो कोशिश करते हैं कि कुछ कबाब टाइप की, कुछ इस तरह के स्नैक्स या कुछ इस तरह की ड्राइड आइटम चीज़ें बना लें जो कि ईजिली हम खा सकें। और कबाब तो सबको पसंद होते हैं, और फिर जब कबाब हो वो भी थोड़े डिफरेंट, तो क्या ही बात हो जाएगी, दावत में वाह वाह हो जाएगी जी आपकी। अच्छा जनाब, इसको आप कट करते हैं, कट भी हम इसको करेंगे पिज्ज़ा स्टाइल में। तो ये देखें इस तरह से कॉर्नर जो है उसके ऑलरेडी लूज़ हो गए हैं, और ये देखें आप फुल गुई चीज़ी, ये देखें गर्मा गर्म ऐसे, और जितनी सर्विंग आपको चाहिए उस हिसाब से आप जो है वो इसको कट कर सकते हैं। और मैं निकालती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंड देयर यू गो, सो हॉट। और ये देखिए, ये देखें जनाब, बेक पिज़्ज़ा कबाब जो है वो रेडी है। आप इसके साइड्स चेक करिए, इसके एजेस चेक करिए, ये देखिए, इसको आप केचप के साथ, चटनी के साथ, या फिर जिस किसी चीज़ के साथ भी आप चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस के साथ। देखिए बिल्कुल पिज़्ज़ा का स्लाइस लग रहा है, फुल गर्मा गर्म धुआँ, स्टूडियो में महक आ रही है पूरी इसकी खुशबू की, और जो है मेरे मुँह में भी आ रहा है पानी। और जनाब साथ साथ जो है वो टाइम भी हो रहा है इफ्तार का, तो तीनों रेसिपीज़ जो है हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो आइए चलते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ, फिर वहाँ पे मिलते हैं आपसे। जी जनाब, तो वेलकम टू माय डाइनिंग एरिया। आप देख सकते हैं हम जो है वो मौजूद हैं यहाँ पे अपनी तमाम रेसिपीज़ के साथ जो कि हमने बनाई हैं। एक आज रशियन कटलेट जो कि बहुत ही मज़े के होते हैं, और हमने एक डिफरेंट और यूनिक से कबाब बनाए हैं जो कि हैं बेक पिज़्ज़ा कबाब। अगर आपने मिस कर दिया और अभी ट्यून इन किया है तो आप जो है वो रिपीट में भी हमारी ट्रांसमिशन देख लीजिएगा, या फिर रेसिपी कार्ड अभी जो चलेगा रिपीट में आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में हमने बनाया है कर्शी जामे शीरी का जो है वो यमी सा फालूदा, जो कि है इस सख्त गर्मियों में गर्मी का तोड़ आपको जो है वो इफ्तार में बहुत ज़्यादा ठंडक पहुंचाएगा। और क्योंकि हम डाइनिंग एरिया में, तो हम क्या करते हैं, अब तो हम इस चीज़ के जो है वो आदी हो चुके हैं, यूज़ टू हो चुके हैं जनाब, बिल्कुल हम यूज़ करेंगे यहाँ पे डिटॉल का हैंड सैनिटाइज़र, क्योंकि हमें एक बनाना है दायरा, एक हिफाजत का दायरा अपने इर्द गिर्द, अपनी फैमिली के इर्द गिर्द, ताकि हम बचा सकें अपनी फैमिली को और ख़ुद भी रह सकें कोरोना वायरस जैसी ख़तरनाक बीमारी से महफूज। क्योंकि डिटॉल हमें देता है तहफ़ कोरोना वायरस जैसी बीमारी से, ना सिर्फ कोरोना वायरस जैसी बीमारी से हमें तहफ़ देता है, बल्कि ये हमें तहफ़ फराहम करता है उन तमाम 100 किस्म के मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलाने वाले जरासीम से जो कि हम बीमार कर सकते हैं। तो हम ये छोटी छोटी आदतें अपनाते हैं और अपने इर्द गिर्द एक जो है वो तहफ़ का दायरा बना लेते हैं। इसी के साथ ही वक्त होता है ख़त्म मेरे सेगमेंट का, लेकिन इसी प्रॉमिस के साथ आपसे वापस जाती हूँ कि फिर मिलूँगी आपसे कल एक नए एपिसोड में नई रेसिपी के साथ। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। एहसान है रमजान, العالمین ہمارے آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے رب العالمین اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہمارے جو روزے ادا ہو گئے ان کا اجر عظیم عطا فرما، جو روزے بقیہ ہیں اللہ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے پناہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں حاسدین کی حسد سے پناہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں ظالمین کے ظلم سے پناہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں تنگ دستیوں سے پناہ عطا فرما، اے اللہ جو تنگ دستی کا شکار ہیں انہیں فراوانیاں عطا فرما، یا رب العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما دے، انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، یا رب العالمین اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کو احسن انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، کل بروز قیامت قرآن پاک کی شفاعت عطا فرما، اور یا رب العالمین اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہمیں دین دنیا اور آخرت میں سعادتیں عطا فرما، ہمیں بلائیاں عطا فرما، اے اللہ ہمیں مشکلات سے پناہ عطا فرما، اے اللہ
उम्मत मुस्लिमा में जो जो बीमार हैं तमाम को शिफा याबी अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जो हस्पतालों में बीमार हैं उन्हें शिफा याबी अता फरमा, जो अपने घरों में बीमार हैं या रब्बुल आलमीन उन्हें सेहत कामिल अता फरमा, और ऐ रब्बुल जलाल जो इलाज करने के वसाइल नहीं रखते तो अपने हबीब के सदक़े उन्हें इलाज तक रसाई अता फरमा, और या रब्बुल आलमीन इलाज में उन्हें शिफा याबी अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। इस मुबारक वक्त में जो जो लोग तेरी बारगाह में हाथ उठाकर बैठे हैं और उनमें से जो जो बे औलाद हैं ऐ अल्लाह उनकी बे औलादी को दूर फरमा, उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। और या रब्बुल आलमीन जिनकी बेटियाँ और बेटे जवान हो गए या रब्बुल आलमीन उन्हें शादी करने के असबाब और वसाइल अता फरमा, अच्छे रिश्ते अता फरमा, उन्हें ख़ानदानी स्टेटस के मुताबिक रिश्ते अता फरमा। ऐ रब्बुल जलाल जो बुज़ुर्ग हजरात हैं अपनी रहमत कामिला के सदक़े उन्हें सेहत और सलामती के साथ अपने बच्चों पर उनका साया ताज़देस कायम और दायम फरमा। और या रब्बुल आलमीन जो बच्चे हैं उन्हें अपने वालिदैन का एहतराम करने की, वालिदैन की खिदमत करने की, वालिदैन के साथ अदब से पेश आने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन बच्चों को बड़ों के साथ मोहब्बत और अदब का सलूक अता फरमा और बड़ों को बच्चों पर शफ़क़त का सलूक अता फरमा। ऐ रब्बुल जलाल अपनी रहमत कामिला के सदक़े हमें पाँच वक्त बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह अपनी रहमत कामिला के सदक़े नमाज़ों में सुस्ती से पनाह अता फरमा, नमाज़ों में गफलत से पनाह अता फरमा। ऐ अल्लाह अपनी रहमत कामिला के सदक़े नमाज़ों में खुशू खुजू अता फरमा। ऐ अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल दुआओं के सदक़े हमारी नाकिस दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन बिलखुसूस मैं इस मुबारक वक्त के सदक़े तेरी बारगाह से इल्तिजा करता हूँ कि इस वक्त में तू गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। अल्लाह तेरी बारगाह से इल्तिजा है कि हम हाथ उठाकर तेरी बारगाह से मगफ़रत तलब करते हैं, अल्लाह तो हमें मगफ़रत अता फरमा। अल्लाह हमें जहन्नम से रिहाई अता फरमा, अल्लाह जहन्नम के अजाब से पनाह अता फरमा, अल्लाह कब्र के अजाब से पनाह अता फरमा। अल्लाह अपनी रहमत कामिला के सदक़े हमारी कब्र को जन्नत के बाग़ों में से एक बाग बना। अल्लाह हमें जन्नत में आला और अरफा मकाम अता फरमा, जन्नत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब अता फरमा। अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हमारे जहन्नम के मकाम को जन्नत में तब्दील फरमा दें। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े हमें जन्नत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन इस मुबारक वक्त के सदक़े तेरी बारगाह से इल्तिजा है कि हमारे आज के सारे दिन के रोज़े की मुशक्क़त को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह रोज़े में होने वाली गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमा। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े हमें आइंदा रोज़े रखने की अच्छे अंदाज में मुस्तासन अंदाज में रोज़ों को मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन अपनी रहमत कामिला के सदक़े हमें बुराइयों से पनाह अता फरमा, नेकियों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन रमज़ानुल मुबारक जैसी पुरकैफ घड़ियों को, बाबरकत लम्हात को हमारे लिए दवा अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जो हमने मांगा वो हमारे मांगने से अता फरमा, और जो नहीं मांग सके वो अपने फ़जल और अपनी रहमत के सदक़े अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله।